हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एन वाला एंड दिस इज यशिका मैम तो जल्दी से फटाफट चैट बॉक्स में तो बता दो तो बेटा मेरी आपको आवाज़ क्लियर दिखाई दे रही है मैम आपको प्रॉपरली विजिबल है स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है एंड जल्दी से आप बताओ उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर शुरू करेंगे बहुत सारे बच्चे मुझसे फेमिलियर होंगे बिकॉज़ एन वाला पर बहुत सारे बच्चे संकल्प के थ्रू मुझसे जुड़े हुए होंगे कुछ मेरे बोर्ड्स वाले बच्चे होंगे कुछ बोर्ड बूस्टर के बच्चे होंगे कुछ परिश्रम के बच्चे होंगे और कुछ मेरे खुद के पाठशाला के भी बच्चे होंगे जो थोड़ी सी बोर्ड की तैयारी करने आए हैं यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग जल्दी से बता दो बेटा ऑल गुड फटाफट थम्सअप दे दो बेटा फटाफट थम्सअप दे दो देन विल स्टार्ट गुड इवनिंग सूरज गुड इवनिंग मयंक ठीक है तो स्टार्ट करें हम अच्छा एक बात बताओ बेटा आप पढ़ने आए हो बट आप अपनी तरफ से कितना पढ़ के आए हो आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया है प्रॉपरली थोड़ा ग्लिच सा हो रहा है कोई ग्लिच है क्या बच्चे हाँ आयुष बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा सोलह मार्च को बायोलॉजी का पेपर है ना शायद उसके बाद भी हम आपको बेसिक ही पढ़ाएंगे है ना तब तक बेसिक पढ़ाएंगे हम आपको टेंशन मत लो आप है ना लास्ट मोमेंट तक आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा ओके तो स्टार्ट करें बेटा फिर ओके So, जैसा कि चैप्टर का नाम है आपने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं रिवाइज कर लिया है तो एक तो पहले आपको बता दो बेटा इस बैच uh, को चलाने का जो मेन मोटो है कि आपको रिवाइज हो जाए प्रॉपरली क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ होगा तो यहाँ पर रिवीजन के मकसद से बैठना रिवीजन का मतलब ये नहीं कि हम उड़ा देंगे है ना हम अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा मेरा कहने का मतलब ये है अभी नोट्स मत बनाना नोट्स आपको पी मिलेगी तब आप बना सकते हो अभी आपका पूरा पर्पज होना चाहिए ठीक है समझने को लेकर के दूसरा जो आपके पास नोट्स हैं उसको खोल करके बैठोगे अपनी एनसीआर को खोल करके बैठोगे क्योंकि मैं आपको साथ ही साथ एनसीआर की रीडिंग भी लगवाऊंगी कुछ नहीं पढ़े हैं बेटा कब पढ़ते हो तुम लोग वैसे तुम लोग तुम्हारे लिए तो आया है ये लास्ट मोमेंट में तुम्हारी तैयारी कराने के लिए तो लाओ लेट गेट स्टार्ट चैप्टर सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है बेटा दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हमें ऐसा हमेशा ऐसा लगता है कि माइक्रोब्स क्या करते हैं बेटा डिजीज कॉजिंग होते हैं ना होते हैं बीमारियां करते हैं बट ऐसा नहीं है इस चैप्टर में आपने पढ़े हैं इतने सारे यूजफुल माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुए हैं हमें हमारे वेलफेयर में बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है इसलिए इस, इस चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ओके <coughs> okay. जल्दी से बता दो तो कौन कौन से माइक्रोब्स और कौन कौन से तुम प्रोडक्ट्स खाते हो जहां जहां पर माइक्रोब्स का इस्तेमाल है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्ट्स फटाफट उन प्रोडक्ट्स का नाम बताओ मेरे बच्चों जहां पर माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया गया है बाकी तो मैं हूं ही आपको बताने के लिए यस टी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वेलकम टू दी विजेता बैच यस मैम मैंने इस चैप्टर को एक बार भी नहीं पढ़ा है तो मुहूर्त निकालते हैं प्रशांत आपके पढ़ने के लिए आई गेस आज मुहूर्त निकल गया होगा इस बैच में तो आज पढ़ लो और 16 मार्च के बाद पढ़ लेना नहीं तो ठीक है वेरी गुड कोड है मिल्क है इडली है डोसा है ब्रेड है चीज है वेरी गुड वेरी गुड सारे बहुत सारे बच्चे पढ़ करके आए हैं मुझे पता चल रहा है कि तुम लोग को रिवीजन का मतलब पता है वेरी गुड सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बट मैं उसको पढ़ाने से पहले मेन टॉपिक में जाने से पहले आपको एनसीईआरटी के इंट्रोडक्टरी लेक्चर को रीड करा देती हूं ठीक है सो दैट हम हम जब इस चैप्टर को पढ़ के जाए तो तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम्हारी एक भी लाइन एनसीआर टी की मिस हुई है एक भी लाइन नहीं मिस होनी चाहिए ठीक है तो देखो बिसाइड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स माइक्रोब्स आर दी मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑन दिस अर्थ On this earth. And वैसे भी बेटा जब आपको आपको में क्लासिफिकेशन पढ़ाया गया था, तो आपको बताया गया था कि मौनरा, मौनरा सबसे पहले हुआ था और उसके होते हैं, और क्योंकि इतने होते हैं, तो बताया कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आपने पहले ही डायवर्सिटी पढ़ी हुई है क्लास इलेवेंथ में ठीक है डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म क्वेश्चन मार्क है कौन सा किंगडम है बेटा ठीक है कौन सा किंगडम है जिसके अंदर बैक्टीरिया होता है तो दैट इज किंगडम मोनरा एनसीईआरटी ने पूछा हुआ है तो दैट इज किंगडम मोनरा आगे देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है बेटा विच आर दी वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक माइक्रोब्स हर जगह पर मिलते हैं बेटा इट इज प्रेजेंट इन सॉइल इट इज प्रेजेंट इन वॉटर इट इज प्रेजेंट इन एयर एंड इवन इन साइड बॉडीज इंटेस्टाइन में भी कुछ हेल्पफुल यूजफुल माइक्रोव प्रेजेंट होते हैं ना? वेरी गुड सानिया वेरी गुड कशिश वेरी गुड बच्चे इसके बाद क्या लिखा हुआ है दे आर प्रेजेंट इवन एट साइड्स जहां पर और कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती है

सो so, देखो लिखा हुआ है साइट सच एज डीप इन साइड द गीजर्स गीजर्स के अंदर थर्मल वेंट्स के अंदर ठीक है जहां का टेम्परेचर इट कुड बी एज आई एस हंड्रेड डिग्री डीप डाउन दिस स्नो के लेयर्स में स्नो में तो बेटा हम हाथ लगा के ही भाग जाते हैं बट बैक्टीरिया वहां पर रहते हैं परमानेंटली ठीक है वेरी गुड वेरी गुड लखन ठीक है उसके बाद माइक्रोब्स बहुत डाइवर्स होते हैं इलेवेंथ क्लास से पढ़ा है बेटा आपने प्रोटोजोआ बैक्टीरिया फंजाए माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस कितने प्लांट वायरसेस आप पढ़ते हो ये सारे माइक्रोपी तो हैं इवन बेटा आपने सब वायरल एजेंट्स पढ़ा हुआ है कौन से सब वायरल एजेंट्स हैं प्राय जिनका प्रोटीन पार्टिकल इन्फेक्शस हो जाता है याद करो आपने वायरॉइड्स पढ़ा हुआ है आर सब वायरल एजेंट्स विच कुड बी इंफेक्शन इंफेक्शियस ठीक है ओके okay. ठीक है मैम वेरी गुड बच्चे अगर like आप आपको स्टडी करना है ना तो आप इनकी कल्चर बना सकते हो कल्चर कैसे बनाते बेटा माइक्रोबायोलॉजी के लैब में जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं वो बैक्टीरिया और फंजाई को न्यूट्रिशन दे करके उनको ग्रो कराते हैं ऐसी प्लेट को कल्चर प्लेट कहते हैं तो आप ऐसे माइक्रोब्स को न्यूट्रिटिव मीडियम प्रोवाइड करके कल्चर भी करा सकते हो उनकी कॉलोनीस को फिर स्टडी कर सकते हो ये एनसीईआरटी की लाइन है और उसको फिर बड़े आसानी से आप अपने नेकेड आई के साथ देख सकते हो नहीं तो जनरली बेटा आपके हाथ पर टेबल पर किताबों पर कितने माइक्रोब्स होंगे आप देख सकते हो अपने इन आंखों से नहीं देख सकते आपको माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है बिकॉज दे आर सो माइक्रोस्कोपिक बट अगर आप देखना चाहते हो नेकेड आई से तो उनको माइक्रोबायोलॉजी के लैब में जाओ कल्चर प्लेट्स बनाओ वो बिना फिर उसके दिख जाते हैं तो देखो यहाँ पर कुछ कॉलोनीज बनी हुई है ये एनसीआरटी का डायग्राम है बेटा एनसीआरटी का डायग्राम अपने दिमाग में पिक्चर इसकी खींचनी है बिकॉज अगर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे जब याद रहेगा तभी कर पाओगे ना ठीक है तो ये जो प्लेट है इसमें आपको गोले वाले बैक्टीरिया दिख रहे हैं ना स्फेरिकल शेप कोकस वाला बैक्टीरिया दिख रहा है ना तो ये देखो किसकी प्लेट है बैक्टीरिया की प्लेट है ठीक है जिसको उगाया ग्रो किया गया है न्यूट्रिशन वाले मीडियम में ये किसकी प्लेट है बेटा फंगस की कॉलोनी है तो कॉलोनी को आप बड़े इजिली नेकेड के साथ देख सकते हो वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या बेटा बायो रिएक्टर हमारा पार्ट नहीं है बायो रिएक्टर आप जोलॉजी में पढ़ते हो गए जोलॉजी में डाउट पूछना बॉटनी नहीं, नहीं अरे यार कैसी बातें कर रहे हो ये भी नहीं पता कौन से सब्जेक्ट में आए हो हाँ सन में माइक्रो बच्चा अंकुर को बच्चे लोग अंकुर को थोड़ा रिप्लाई करिए कुछ बच्चों को आप खुद ही रिप्लाई कर सकते हो ठीक है मतलब ठीक है ना सब कुछ ऑल गुड है ना ऑल गुड है ना बेटा बेटा आयुष आपको पता नहीं है कि हम किस पर्पज के लिए आए हैं ऐसे सवाल क्यों पूछते हो आपको खुद ही पता होना चाहिए आप सेल्फ कॉन्शियस नहीं हो सेल्फ अवेयर होने चाहिए ये प्रशांत ओके लेट्स गो इसके बाद देखो एनसीआर में बेटा ये पिक्चर्स हैं ये सारे बैक्टीरिया के फॉर्म है यहाँ रॉड शेड बैक्टीरिया है इसको हम क्या कहते हैं बैसिलस यहां पर क्या है गोले वाले बैक्टीरिया है स्पेरिकल शेप वाले को क्या कहते हैं कोकस इतना सुंदर पिक्चर तभी दिखाई देता है जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नीफाई वाले लेंस में देखते हो जैसे स्कूल में आपका टेन एक्स फोर्टी एक्स होता है ना मैग्नीफाई ये देखो कितने एक्स पर मैग्नीफाई किए गए फिफ्टीन 15, फिफ्टीन हंड्रेड एक्स पर अगर मैग्नीफाई करोगे तब जाके इमेजेस आती हैं अब एक पचास हजार एक्स पर जब एक बैसिलस वाले बैक्टीरिया को मैग्नीफाई किया है बेटा तो देखो कैसा दिखाई दे रहा है प्रॉपर रॉड शेप बैक्टीरिया जिसको बैसिलस कहते हैं और फ्लैजला दिखाई दे रहा है जो इसकी मोटिलिटी बताता है ये तो हो गया बेटा बैक्टीरिया यहां पर क्या लिखा हुआ है ये है बैक्टीरियो वायरस पड़ा होगा ना हर शेज एक्सपेरिमेंट में ये बैक्टीरियो वायरस होता है ऐसा वायरस जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है ये हमारा एडिनो वायरस है जो भी हमें रेस्पिरेटरी डिस्कवरी हुई थी जिसने टोबैको प्लांट में डिजीज कॉज किया था मोजैक वाला ठीक है तो ये हो गया हमारे डायग्राम्स के पार्ट नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहला यूज बेटा माइक्रोब का जिसका नाम है गुड इवनिंग कशिश गुड इवनिंग बच्चे ठीक है अब हम बात जो स्टार्ट करने वाले हैं कि माइक्रोब्स का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में तो जैसा कि सबसे पहले बच्चों ने बोला था कर्ड दही तो बेटा दही तो सब खाते होंगे है ना बस अभी ठंड का टाइम है तो रात में अवॉइड करना चाहिए नहीं तो गला वाला खराब हो जाता है बीमार पड़ जाते हो और अभी इस टाइम पर हम बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते है ना कर सकते हो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो बड़ा ही इजी चैप्टर है बेटा बिल्कुल भी टफ नहीं है ओके निशांत वेरी गुड ठीक है तो मम्मी लोग दही बनाती हैं तो आपने दही बनाने का फिनोमिना तो सब ने अपने घर में देख रखा है है ना क्या किया जाता है एक भगोने या पतीला लेते हैं उसमें क्या करते हैं पहले पतीला बना लो ठीक है इसमें क्या ऐड कर देती है मम्मी मिल्क ऐड कर देती हैं तो ठंडे मिल्क में दही जम जाता है ठंडे दूध में हम चाहे दही जमाना जमा लेंगे ठंडे दूध में नहीं हर एक बैक्टीरिया का काम करने का अपने हिसाब का टेम्परेचर है अगर उसको अपने हिसाब का टेम्परेचर दोगे तो तो वो काम करेगा नहीं तो नहीं करेगा ना बहुत ज्यादा ठंडे दूध में दही जमता है ना बेटा और ना बहुत ज्यादा खोलते हुए दूध में दही जमता है अगर बहुत ज्यादा खोल जाता है तो फिर मम्मी इसको ठंडा कराती हैं तो गुनगुना जो टेम्परेचर होता है ना वार्म टेम्परेचर ठीक है बहुत गर्म नहीं बहुत ठंडा नहीं वैसा हमें टेम्परेचर चाहिए होता है मिल्क का फिर हम क्या करते हैं हम नहीं तुमने तो कभी नहीं जमाया होगा मेरी शोर तू बस खाते होगे मम्मी क्या करती है मम्मी इसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड को ऐड करती है क्या करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड को ऐड करती है तभी मम्मी कहती है जितना भी दही जमाया पूरा मत खा जाना थोड़ा सा छोड़ दो और वही जो थोड़ा सा छुटा हुआ दही होता है उसी को हम कैसे यूज करते हैं इट इज यूज एज इनोक्यूलम जाते हैं ना पूरा तो डाट भी पड़ती है बहुत लोग इस छोटी चो, थो, सी दही छोड़ देते हैं उसको झाग कहते हैं कुछ लोग जामन कहते हैं तो दैट इज जो प्रोसेस को इनिशिएट करता है उसको स्टार्टर या इनोकुलम का नाम देते हैं अच्छा क्यों ऐड करते हैं उसको क्योंकि इस थोड़े से इनोकुलम में क्या होगा इट कंटेन्स माइक्रोब इस चैप्टर में माइक्रोब ही पढ़ना है कौन सा माइक्रोब होता है बेटा लैब लैब का पूरा नाम क्या है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये तो ग्रुप हो गया आप लिख सकते हो एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का एग्जाम्पल जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस अब ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है बेटा ये एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड तो इट प्रोड्यूसेस इट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड तो क्या हो जाएगा जैसे ही तुम स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड मिल्क में ऐड करते हो फिर इसको प्रॉपरली अच्छे से मिक्स करते हो तो जो बैक्टीरिया है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और इस लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन से मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है कैसीन बेटा वो डाइजेस्ट होता है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर responsible for digestion of digestion of milk protein milk protein known as casein जैसे ही मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाती है तो इट रिजल्ट्स इन इट रिजल्ट्स इन कोगुलेशन ऑफ मिल्क कोगुलेशन का मतलब जमना गाढ़ा हो जाना और जब मिल्क गाढ़ा हो जाता है जम जाता है तो क्या हो जाती है दही आप देखो मिल्क कितना लिक्विड फॉर्म में होता है बट दही सेमी लिक्विड फॉर्म में होती है जमी हुई होती है कहते हैं दही जम गई तो दैट इज सेट टू बी कॉगलेशन ऑफ मिल्क और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं बेटा कर्डलिंग ऑफ मिल्क तो इस इसपे बड़े सारे क्वेश्चन आ सकते हैं देखो पहला क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जा सकता है कि मिल्क की कर्डलिंग कैसे होती है पूरा का पूरा ये प्रोसेस लिख दोगे दूसरा से पूछा जा सकता है कि कर्ड क्यों ऐड किया जाता है कर्ड के मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड क्यों जरूरी होता है मिल्क में ऐड करना ये लिख दोगे ठीक है तो ये प्रोसेस होता है क्वेश्चन कोई भी पूछे बेटा आंसर तुम्हारा यही होने वाला है कर्ड रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए बेटा कर्ड ज्यादा फायदेमंद है या दूध ज्यादा फायदेमंद है ठीक है जल्दी बता दो तो आपको पता है एन लिखती है कि कर्ड जो होता है बेटा वो प्रोबायोटिक है प्रोबायोटिक क्या होता है बेटा कोई भी डाइटरी इनटेक जब हम लेते हैं अगर उस डाइट में माइक्रोब्स है जो हमारे हेल्थ uh, के लिए अच्छा होता है हमारे लिए बेनिफिशियल होता है ऐसे डाइटरी इनटेक को हम क्या कहते हैं बेटा प्रोबायोटिक जैसे मैं हमेशा अपने बच्चों को जो मेरे पुराने बच्चे होंगे जो पढ़ रहे हैं जो रिवाइज कर रहे हैं उनको पता होगा मैम हमेशा के एग्जाम्पल लेती हैं और मैम कौन किसका एग्जाम्पल लेती हैं है? मैम बोलती हैं दस रुपये का एक डब्बा खरीदा होगा मदर डेयरी का फिर बच्चे कहते हैं मदर डेरी स्पॉन्सर्ड है बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मैंने एक्चुअली इस पर देखा है इसलिए मैं हमेशा एग्जाम्पल लेती हूँ तो इस छोटे से डब्बे पर सबसे ऊपर जो आप रैपर निकाल देते हो ना उस पर लिखा होता है प्रोबायोटिक लेकिन मैम हमारा तो ध्यान खाने पे रहता है हमने तो देखा ही नहीं देखा होगा सबने है ना तो कर्ड इज़ अ प्रोबायोटिक ठीक है प्रो का मतलब क्या होता है बेटा प्रो का मतलब होता है फॉर बायोटिक का मतलब क्या होता है लाइफ तो कर्ड हमारे लाइफ के लिए अच्छा है ठीक है क्यों क्योंकि इसमें ऐसे माइक्रोब्स हैं जो पेट में जाते हैं और दूसरे हार्मफुल माइक्रोब्स के ग्रोथ को चेक करते हैं ठीक है तो इट चेक्स दी ग्रोथ ऑफ इट चेक्स द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स अदर माइक्रोब्स इन स्टमक और एक विटामिन में भी रिच होता है दे आर रिच इन विटामिन बी ट्वेल्व दे आर रिच इन वाइटमिन बी ट्वेल्व अगर क्वेश्चन आता है बेटा कि कर्ड बेनिफिशियल है ओवर मिल्क तो यस यू कैन राइट ये सारा पॉइंट इनमें अच्छे वाले माइक्रोब्स होते हैं जो दूसरे माइक्रोब्स के ग्रोथ को चेक करते हैं विटामिन पर्पस से भी अच्छा है बिकॉज इट इज रिच इन वाइटामिन बी ट्वेल्व एंड मोर ओवर बेटा कोविड के बाद अगर आप लोगों को कभी कोविड घर में किसी को हुआ होगा ना तो तुम कभी डॉक्टर के पास जाओगे ना सबसे पहले का चेक करो। और उसके बाद से लोगों में कम है तो अगर आप चाहते हो खत्म हो या तो मल्टीवाइटमिन खाओ नहीं तो ये खाओ मजे मजे लेकर के ठीक है क्लियर हो गया सबको अच्छा पिया है तुम लोग ने कभी पिया है? Yes, बच्चों याकुल्ट ये है स्पेलिंग ये होती है याकुलट की वाई ए के यू एल टी सुना है भाई याकुल्ट के बारे में यस yes. नहीं सुना अच्छा कोविड के टाइम पर अच्छा सबने पता नहीं मार्केट में मिलता है बेटा अगर तुम जाओगे ना राशन वाली दुकान पर तो याकुल्ट रखते हैं पी करके देखना बड़ा अच्छा सा होता है ठीक है टेस्ट तुम्हें पता नहीं अच्छा लगेगा लेकिन बहुत कोविड के टाइम पर बहुत फेमस हो गया था ये बिकॉज याकुलट भी एक प्रकार का प्रोबायोटिक है एक छोटे से बॉटल में ड्रिंक मिलती है क्रीम कलर की बॉटल होती है और रेड कलर का ढक्कन होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग और उस लिक्विड में माइक्रोब्स हैं यूजफुल माइक्रोब्स हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं फाइबर्स वगैरह के डाइजेशन को इंक्रीज कर देते हैं ठीक है पहले शायद काजोल इसका ऐड करती थी बीच में शिल्पा शेट्टी ने ऐड किया तो शायद सुना होगा ठीक है तो ये भी एक प्रकार का प्रोबायोटिक है बट एनसीआर नहीं बताती है याकुल्ल तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे ठीक है आगे चलते हैं कर्ड के बाद जो हम बात करने वाले हैं दैट इज इडली एंड डोसा मेरा फेवरेट है और आई गेस बाकी इस मेरे सारे बच्चों का भी बहुत ज्यादा फेवरेट होगा ठीक है तो कैसे बनता है इतना पसंदीदा खाना है घर में मम्मी लोग बनाती हैं तो आपने देखा होगा चावल और राइस का प्रोपोर्शन ले करके प्रॉपर उसको मिक्सी में चलाते हैं पीस लेते हैं फिर उसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है है ना तो ये किसका रिजल्ट होता है बहुत सारे बच्चों को लगता है फर्मेंटेशन से उनको फंजाई याद आता है ईज याद आता है ठीक है लेकिन एन पढ़ोगे साफ तौर पर लिखा हुआ है दे आर द रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेड बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है ये एनसीआर नहीं बताती है बेटा तो आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है बट ये yes, उसके फर्मेंटेशन का रिजल्ट है जो हम खाने के तौर पर खाते हैं दैट इज इडली एंड डोसा एंड इवन बेटा जितना ज्यादा फर्मेंटेशन होता है आपने देखा होगा उतना ज्यादा सॉफ्ट इडली बनती है है ना ओके okay. बेटा अननेसेसरी स्पैम करना है तो घर जाओ घर बैठो ना क्यों आए हो स्पैम करने के लिए इतना फ्री में टाइम है आपके पास कि आप स्पैम करते हो बाकी सारे बच्चों का मुझे चैट ही नहीं दिखाई देता ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेड के बारे में तो ब्रेड के लिए कौन सा माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा ब्रेड के लिए वेरी गुड वेरी गुड आरू ने बताया शायद वेरी गुड मयंक वेरी गुड फ्लो बीड अभी तो स्टार्ट हुआ है ठीक है छोटा चैप्टर है बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बट अभी तो स्टार्ट हुआ है पढ़ो थोड़ा ठीक है ओके यस यस वेरी गुड बेटा वेरी गुड मोटिवेशन ट्रैक्स चलो आज इस चैप्टर का रिविजन भी मिलेगा परिश्रम में वहां भी पढ़ लेना अगर यहाँ पढ़ रहा तो वहां छोड़ देना ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ईस्ट बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है माइक्रोब जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट फटाफट बेटा चार्ट बॉक्स में बताओ ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है ईस्ट का साइंटिफिक नेम वेरी गुड दीपक वेरी गुड दैट इज सैक्रोमाइसिस वेरी गुड ठीक है अब ये वाला जो ईस्ट है ईस्ट क्या होता है बेटा फंगस इट इज अलुलर फंगस रिस्पॉन्सिबल है ब्रेड बनाने के ये ब्रेड हो गया बिस्किट हो गया बेटा ये बेकरी इंडस्ट्री में बनते हैं जिसका मतलब ये है कि ईस्ट कहां पे इस्तेमाल हो रहा है सिंस ईस्ट इज यूज इन ईस्ट इज यूज इन फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड इन बेकिंग इंडस्ट्री इन बेकिंग इंडस्ट्री बेकिंग इंडस्ट्री इसी वजह से इस ईस्ट को क्या बोलते हैं बेटा ठीक है इन बेकिंग इंडस्ट्री देयर फोर ईस्ट इज नोन एज ईस्ट इज नोन एज बेकरस ईस्ट बेकरस ईस्ट बेटा नोट्स बस अभी आप सुनो बनाने मत बैठ जाओ अभी एक आंसर सिर्फ चैप्टर को समझो नोट्स तो मैंने आपको संकल्प में भी दिए हुए हैं अगर परिश्रम वाले बच्चों तो नोट्स में आप तो परिश्रम में भी दे रखा है बोर्ड बूस्टर में भी दे रखा है पाठशाला वाले बच्चों को भी दे रखा है तो नोट्स है आपके पास नोट्स अभी भी मिलेंगे फोकस करो रिवाइज करने पर जिन्होंने कभी ये चैप्टर नहीं करा वो फोकस करे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अच्छा ब्रेड तो सब खाते हैं ठीक है तो ब्रेड में देखा होगा बहुत सारे छेद होती है पोर्स होते हैं और ब्रेड बड़ा सॉफ्ट होता है मफिन कितने सॉफ्ट होते हैं केक का जो सॉफ्टनेस है तो ये सॉफ्टनेस और इतने पोरस क्यों होते हैं अतुल वेरी गुड बच्चे अच्छा मेरे नोट्स ओपन करके लेक्चर देख रहे हो ठीक है वेरी गुड ऐसे ही करना है जो मेरे बच्चे हैं वो कॉपी खोल करके नोट्स बने हुए हैं उनके पास और इस लेक्चर को देखें ठीक है यस वेरी गुड क्योंकि ईस्ट क्या करता है ईस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईस्ट क्या परफॉर्म करता है बेटा ईस्ट परफॉर्म एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इलेवेंथ क्लास में पढ़ा है ना एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज एंड प्रोडक्ट क्या होता है बेटा सी टू प्लस एल्कोहल CO2 क्या है बेटा गैस है जहां जहां से निकलेगी वहां वहां छेद हो जाएगा दैट इज ब्रेड पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज CO2 गैस इज इज और जो सॉफ्टनेस आती है दैट बिकॉज ऑफ द दल्कोहल प्रोडक्शन इसीलिए बहुत लोग जब अपने घर में बेकिंग करते हैं केक वगैरह बनाते हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल स्मॉल अमाउंट ठीक है भर के नहीं डाल देना इट इज यूज इट विल मेक थिंग्स सॉफ्ट है ना तो ब्रेड जो सॉफ्ट एंड पोरस होते हैं पोरस इज ड्यू टू इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्यू टू एंड इथेनॉल ड्यूरिंग परमेंटेशन प्रोसेस यहां तक सबको क्लियर हो गया फटाफट चैट बॉक्स में बता दो बेटा फिर हम आगे चलेंगे खूब सारा दिल खूब सारा थम्स अप भेज दो तो पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया है वेरी गुड यू बिका वेरी गुड शेख वेरी गुड राहुल वेरी गुड बच्चे वेरी गुड सिनेमा अच्छा जी ठीक है यस मैम यस मैम इथेनॉल बोल सकते हो अल्कोहल बोल सकते हो शशमित पांडे कुमार अतुल वेरी गुड बच्चे ओके okay, नेक्स्ट इसके बाद एनसीईआरटी लिखती है कि फिश को भी फर्मेंट करके एज अ फूड इस्तेमाल किया जा सकता है इवन और किसको फर्मेंट कर सकते हैं बेटा एनसीईआरटी लिखती है बैम्बू शूट्स को भी फर्मेंट किया जा सकता है और फर्मेंट करके करने के बाद उसको आप एज अ फूड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो फर्मेंटेड सोयाबीन सोयाबीन हो गया बैम्बू शूट हो गया फिश हो गया इनको फर्मेंट करो और यूज करो एज फूड अब फर्मेंटेशन के लिए कौन सा माइक्रोब है कौन सा बैक्टीरिया इट इज नॉट देर इन द सीआरटी तो खुश हो जाओ पढ़ना नहीं पढ़ना हमें वही है विच इज देर इन एनसीआर टी ठीक है सोयाबीन को फर्मेंट करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स निकलते हैं नाम तुमने शायद सुने होंगे इंडियन मार्केट में वो अवेलेबल भी होते हैं जैसे तोफू तोफ़ू सुना होगा बहुत सारे लोग खाते हैं जैसे जो लोग वीगन होते हैं ना वो पनीर नहीं खाते तो तोफू खा लेते हैं एंड तोफ़ू मैंने जब आपने भी खाया होगा मुझे तो पनीर जैसा ही टेस्ट आता है ठीक है तो खाने में तो पनीर जैसा ही लगता है तो यस तैम्फे हो गया तोफू हो गया सूफू हो गया ये सारे फर्मेंटेशन के रिज़ल्ट होते हैं इसके तो डेफ़िनेटली हम उसको खाते हैं जिसमें माइक्रोब का इस्तेमाल किया गया है उनको बनाने के लिए ठीक है इसके बाद फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स के बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं दैट इज चीज़ तो चीज़ सबका पसंदीदा होगा मार्केट में डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ मिलता है ठीक है आप पिज्ज़ा वाला चीज़ अलग है पास्ता में डालने वाला अलग है ब्रेड पे लगाने वाला अलग है नॉर्मल कुछ बनाना है आजकल तो हर चीज़ हर चीज़ में चीज़ पड़ती है तो चीज़ सबको पता होगा बहुत सारा तरीका होता है बेटा चीज़ को बनाने का अगर मैं देसी भाषा में बताऊं चीज़ क्या होता है तो दूध घर में सबके फटता होगा अभी तो सर्दी का मौसम है तो इतना टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता कि दूध जल्दी खराब हो जाए नहीं तो गर्मी का टाइम है बहुत लोग जैसे मैं भी फ्रिज में रखना भूल गई मम्मी फ्रिज में रखना भूल जाती हैं आपसे भी ऐसा होता होगा तो दूध तो खराब ठीक है दूध जब खराब हो जाता है तो आपने देखा होगा पानी पानी सेपरेट हो जाता है और मिल्क का जो पार्टिकल फटा हुआ है वो अलग हो जाता है नहीं तो घर में जब मम्मी को कुछ काम होता है तो दूध को फाड़ती है ना उसमें कुछ खट्टा डाल के आ, हम नींबू डाल के उसको फाड़ देते हैं तो आपने देखा होगा पानी पानी सेपरेट हो जाता है और मिल्क वाला पार्ट सेपरेट हो जाता है ठीक है उसी को निकाल के छान लेते हैं बहुत लोग उसे पनीर बना लेते हैं अब उसको तुम और प्रोसेस कर लोगे तो तुम्हारा ये चीज ही बन जाएगा देसी भाषा में लेकिन मार्केट में जो चीज मिलते हैं वो प्रोसेस चीज होते हैं तो मार्केट वाले में कुछ ऐड किए जाते हैं कुछ करके उनको प्रोसेस किया जाता है नमकीन बनाने के लिए स्वादानुसार नमक डाला जाता है ऐसा लग रहा है, शेफ वाली चल रही है, है ना और जिस प्रकार का तुम एंड में माइक्रोव ऐड करोगे बेटा उस प्रकार का चीज बन के आएगा मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज अवेलेबल है हर चीज का टेस्ट अलग है तभी तो अलग कैसे पिज्जा वाला अलग है देखो ना उसका टेक्सचर कैसा होता है वो खिंचता चला आता है टेक्सचर अलग होता है हर एक चीज का शेप कह रही हूं टेस्ट अलग होता है फ्लेवर अलग होता है ठीक है तो चीज भी एक प्रकार का एनसीआरटी पढ़ोगे तो लाइन लिखी हुई है इट इज द डिग्रेडेड पार्शली डिग्रेडेड ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ द मिल्क प्रोटीन ठीक है इन मार्केट इन मार्केट डिफरेंट different type of types of cheese available different types of cheese different types of cheese have different have different फ्लेवर टेस्ट एंड टेक्सचर एनसीईआरटी में बेटा दो टाइप ऑफ चीज आपको पढ़ना है एक टाइप ऑफ चीज है स्विस चीज और दूसरा टाइप ऑफ चीज होता है रॉकीफर्ट चीज ये दोनों टाइप में आप देखोगे बेटा हाँ जी बेटा नमन ऑब्वियसली ठीक है ओके तो दो टाइप ऑफ चीज जो होता है स्विस्ट चीज और एक होता है रॉक्यूफॉर्ट चीज टॉम एंड जेरी सबने देखा होगा अभी भी आप कुछ कुछ शॉर्ट उसके देखते रहते हो रील्स के फॉर्मे कभी फेसबुक पर नहीं तो वैसे भी कुछ बच्चे देखते होंगे है ना फिश को जब फर्मेंट करते हैं बेटा तो उसको फर्मेंटेड फिश को हम एज अ खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं फर्मेंटेशन हो रही है माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है तभी हम बोलते हैं माइक्रोब्स को फिश फर्मेंट करने में इस्तेमाल किया जाता है उसको एज अ खाने की तरह इस्तेमाल कर सकते हो दैट्स इट ठीक है, वेरी गुड बच्चे वेरी गुड चीज इज फूड आइटम बिल्कुल लिखती है, है, दूध you know दूध तो सब, पता नहीं कितने टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और रहता रहता था, चीज बनता रहता था. बनता ठीक yes. so, के लिए, Swiss cheese की खास बात क्या होती है एंड जेरी पर थी टॉम एंड जेरी से मैं डाउट पर चली गई तो आपने देखा होगा ना वो छोटू ठीक है जो लेकर के चीज भागता रहता है तो उसने जो चीज उठाया होता था उसमें देखा था कितने बड़े बड़े चीज में होल होते हैं तो दैट इज ओनली स्विस चीज फेमस ही इसलिए होता है बिकॉज दर इज अ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ होल्स और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि स्विस चीज की क्या खास बात है तो स्विस चीज की खास बात है दैट देर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज होल्स कौन से माइक्रोब का इस्तेमाल हुआ है इसके प्रोडक्शन के लिए सो so, जो माइक्रोब इसके प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ है दैट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी ठीक है अब आपको नाम से पता चल रहा है पता चल रहा होगा कि एक प्रकार का क्या है ये बैक्टीरिया है जो स्विस चीज बनाने में इस्तेमाल हो रहा है ठीक है अब रॉक्यू फॉर चीज कैसा होता है बेटा इसका जो माइक्रोब इस्तेमाल किया जाता है इस रॉक्यूफोट चीज को बनाने के लिए उसका नाम है पेंसिलियम रोक्यूफोटाए पेंसिलियम रॉक्यूफोटाए तो आप खुद देखो अगर माइक्रोब बदल रहे हो तो चीज़ का टाइप भी बदल जा रहा है यहाँ पर एक फंगस है बेटा जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ बनाने के लिए यहाँ पर एक बैक्टीरिया है जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ बनाने के लिए इसीलिए हम कहते हैं बेटा डिफरेंट माइक्रोब्स का इस्तेमाल करोगे यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ एक कैम्बर्ट चीज़ भी होता है उसको जो माइक्रोब बनाता है दैट इज़ पेंसीलियम कैम्बर But वो नहीं है यही दो स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में मेंशन है। अब मैं आपको स्विस चीज बहुत लोग खाते भी होंगे तो पता होगा ये देखो कितना बड़ा बड़ा लार्ज होल्स है ना तो ये कौन सा चीज है बेटा ये स्विस चीज है और ये क्या है बेटा ये जो आपको मार्केट में इस प्रकार का चीज मिलता है ठीक है तो दैट इज रॉक्यूफॉर्ट चीज तो इतने बड़े बड़े होल्स वाले को हम स्विस्ट चीज कहते हैं यही इसकी पहचान है क्लियर हो गया अब आगे चलते हैं और लास्ट हाउस होल्ड की चर्चा करते हैं जिसका नाम है टॉडी ठीक है यूपी साइड ताड़ी भी सुना होगा आपने ठीक तो है तो टॉडी इज ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ पहले इसको डब्बे में बंद करते हैं ठीक है वॉट इज टॉडी टॉडी इज बेटा ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया पाम का एक पेड़ होता है बेटा साउथ इंडिया में सबको पता होगा जनरली वहां पर पाम ट्रीज दिखाई देते हैं तो पाम ट्रीज पे क्या करते हैं ठीक है पाम ट्रीज ये देखो पाम ट्रीज है तो पाम ट्रीज पर ये जाते हैं कट लगाते हैं अभी मैं आपको एक इमेज भी दिखाऊंगी उसको कट लगाने के बाद बेटा यहां पर ये मिट्टी का बर्तन बांध देते हैं लटका देते हैं अब क्या जहां से कट लगाया था वहां से पेड़ से सैप इसमें इकट्ठा होता रहता है इस मटके में सैप क्या कंटेन करता है बेटा कार्बोहाइड्रेट शुगर और वही शुगर का जब फर्मेंटेशन होता है तो इसके अंदर एक ड्रिंक कलेक्ट होता है उस ड्रिंक को हम तोडी कहते हैं ठीक है जितना ज्यादा सैप निकल करके इस मटके में जाएगा उतना ज्यादा उसका फर्मेंटेशन मतलब उस हिसाब से फर्मेंटेशन होगा और उसी हिसाब से तुम्हें इसके अंदर टॉडी मिलेगा मैं आपको दिखाती इसका इमेज ठीक है ये देखो ये देखो देखो पाम की ट्रीज है और आप देखो, इस तरीके से चढ़ते हैं बैंड लगा करके क्योंकि चढ़ना इजी नहीं होता ना इन पेड़ों पर क्योंकि सीधी सीधी कोई ब्रांचिंग तो होती नहीं तो रस्सियां वस्सियां लगा करके ऊपर चढ़ते हैं और ये देखो इसके पास काटने वाला है तो ये क्या करते हैं कट लगाते हैं यहाँ पर और ये मटका बांध देते हैं और फिर ये चले जाते हैं ठीक है कुछ दिनों के बाद आते हैं फिर ये मटके को नीचे लेकर के जाते हैं उसमें से पूरी ड्रिंक को कलेक्ट कर लेते हैं तो जो ड्रिंक अंदर बनती है ठीक है उसके साप के फर्मेंटेशन से दैट इज कॉल्डस टॉडी ठीक है अरे फर्मेंटेशन का मतलब नहीं पता है बच्चों क्या कर रहे हो तुम आयुष इलेवेंथ क्लास पढ़ी नहीं फर्मेंटेशन क्या होती है एनरोबिक रेस्पिरेशन ठीक है ओके तो टॉडी लिख लेते हैं किस पाम से बनता है इट इज मेड फ्रॉम स्टैप ऑफ पाम उस पाम का नाम क्या है कैरियोटा यूरस ये है पाम ट्री का नाम ठीक है अगर टॉडी इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इफ टॉडी इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब मटका लगा के चले गए ठीक है तो उसके अंदर नेचुरली अक्रिंग ईस्ट होता है और वही रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी फर्मेंटेशन का ठीक है, इफ इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब इट अंडर गो इट अंडर गो फर्मेंटेशन ड्यू टू नेचुरली अकरिंग नेचुरली अकरिंग ईस्ट सबको समझ में आ गया बेटा सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सबको समझ में आ गया सारे हाउस प्रोडक्ट्स वेस बी के 35 वेरी गुड बच्चे यस अंश वेरी गुड शेड्यूल देख लिया करो ना बेटा क्लास जानने के लिए पोस्ट आया होता है ना चैनल पर तो आप उसमें से जाकर के देख सकते हो क्लास होगी या नहीं होगी क्लियर है ओके okay. आगे चलते हैं हम बेटा थोड़ा सा पी ले टेस्ट पता चल जाएगा अब मैं तेरे को एक टेस्ट डिफाइन करके बताऊं इसे अच्छा वो ट्राई करो अच्छा ठीक है आगे चले नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बेटा अगर घर लेवल पर कोई चीज़ बनानी है तो बहुत लार्ज स्केल में नहीं बनती है बट अगर इंडस्ट्री में बनानी है इतनी सारी बिजली खपत हो रही है एक टाइम पर बनाना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बनाना पड़ता है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं राम आपका दिल क्यों टूट रहा है भाई हेलो विवेक हेलो बच्चे ठीक है एक ही सैंपल पेपर थोड़ी होगा संकल्प और भी सैंपल्पे संकल्प कह संक, रही संक, हो और भी सैंपल पेपर्स होंगे ना ठीक है तो अच्छा वापस से आते हैं डाउट से इधर तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में पड़ेंगे, हम अल्कोहलिक बेवरेजेस पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में अल्कोहलिक बेवरेजेस मतलब सबको पता होगा बियर हो गया विस्की हो गया वाइन हो गया अब ये जो अल्कोहलिक बेवरेजेस बनते हैं ये बहुत लार्ज वेसल्स में बनते हैं उन लार्ज वेसल्स को क्या कहते हैं बेटा फर्मेंटर्स ये देखो फर्मेंटर्स ये फर्मेंटर्स है और ये पूरा का पूरा प्लांट है जिसके अंदर बनता है अल्कोहलिक बेवरेजेस ठीक है ठीक है, ओके नेक्स्ट तो यहां पर देखो हम क्या करते हैं एल्कोहलिक बिबरेजेस पढ़ेंगे सबसे पहले सो एल्कोहलिक बिबरेजेस कैसे बनाते हैं आपने देखा होगा बेटा आ, वाइन वाइन किससे बनता है फ्रूट के जूसेस से बनता है है ना आपने बहुत सारे ऐसे आ, शो में या किसी मूवी में किसी गाने में देखा होगा ग्रेप को ऐसे पैरों से कुचलते रहते हैं देन उससे जो जूस निकलता है उसको प्रोसेस करके वाइन बनाया जाता है जितने भी फ्रूट जूसेस होते हैं उनको फर्मेंट करा करके यू विल गेट टू सी द प्रोडक्शन ऑफ वाइन तो फ्रूट को क्यों लेते हैं बिकॉज इट हैज शुगर कोई भी फॉर्म ऑफ शुगर ले सकते हो बेटा ठीक है अंगूर में तो ग्लूकोज ही होता है सीधा सीधा उसको फर्मेंट करा लो अगर किसी फ्रूट में माल्टोज है या किसी में सुक्रोज है कोई फर्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली हम किसी भी फॉर्म ऑफ शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करा लेते हैं उस ग्लूकोज को हम फर्मेंट कराते हैं तब हमारा अल्कोहल मिल जाता है और इस प्रकार से अल्कोहलिक बेवरेजेस तैयार होते हैं तो आप देखो अल्कोहलिक बेवरेजेस कैसे बनाते हैं एनी फॉर्म ऑफ द शुगर चाहे माल्टोज हो सुक्रोज हो और अगर ग्लूकोज है तो बहुत बढ़िया बात है इसका क्या हो जाता है फर्मेंटेशन होता है इस फर्मेंटेशन को हम क्या कहते हैं बेटा इस फर्मेंटेशन को हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं क्लास में आपने दो फर्मेंटेशन पढ़ी होगी जो रेस्पिरेशन के अंडर आती है एक होती है फर्मेंटेशन और एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सही सही सहीदा क्या पूछ रहे हो बच्चे कुछ पूछ रहे हो करण बिल्कुल सही टाइम पे स्टार्ट कर लिया है अगर तुमने स्टार्ट कर लिया है यू कैन डेफिनेटली इसको 90 प्लस टेंशन मत लो तुम लोग टेंशन ज्यादा लेते हो बेटा कि मैम अभी स्टार्ट किया है नहीं किया है यू स्टिल हैव 1 मंथ टू गो है ना सो so, टेंशन मत लो अब जब कर रहे हो तो अच्छे से करो ठीक है अच्छा शिवराज को जानना है मेथनॉल कैसे बनता है केमिस्ट्री क्लास में आना तुम लोग ठीक है तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है बेटा इसका एंड प्रोडक्ट होता है इथेनॉल या आप इसको एल्कोहल लिख सकते हो प्लस सीओ टू कौन कराता है माइक्रोब जो रिस्पॉन्सिबल है वो ईस्ट है वही सेक्रोमाइसी माइक्रोव वही है वहां पर बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा था यहां पर ब्रूइंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है जिस इंडस्ट्री में इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए जाते हैं ऐसी इंडस्ट्री को बेटा ब्रूविंग इंडस्ट्री कहते हैं उन्हें तो बहुत सारे ऐसे लाउजेस देखे होंगे अभी आप जाते नहीं होगे पर देखा होगा कभी घूमने वगैरह जाते हो तो ब्रू एस्टेट लिखा होता है तो वहां पर फ्रेश बियर बनाई जाती है उनके किचन में ही मतलब किचन के आसपास वाले एरिया में ही उनकी डिस्टिलरी होती है एंड दे मेक अ फ्रेश बियर इसलिए ब्रू वर्ड वहां से आता है ठीक है तो प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल ोडक्शन ऑफ इथेनॉल इज नोन एज ब्रूंग ठीक है तो यहां पर ईस्ट किस इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है सिंस ईस्ट इज यूज सिंस ईस्ट इज यूज इन ब्रूइंग इंडस्ट्री इन ब्रूइंग इंडस्ट्री देयरपोर ईस्ट हेयर इज नोन एज ब्रीअवर्स ईस्ट ठीक है क्योंकि ब्रिविंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं एल्कोहल वगैरह बनाने के लिए इसको ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं ठीक है एल्कोहलिक बेवरेजेस को बड़े बेसल्स में बनाया जाता है एल्कोहलिक बेवरेजेस बेवरेजेज आर मेड इन लार्ज बेसल्स मेड इन लार्ज वेसल्स और उन लार्ज वेसल्स का नाम क्या होता है बेटा नोन एज फर्मेंटर्स अच्छा अब एक बात मुझे बताओ अच्छा कुछ अल्कोहलिक बिवरेजेस के नाम मुझे बताओ देखो आपकी कितनी जनरल नॉलेज है कितना आपको पता है अल्कोहलिक बिवरेजेस के बारे में हाँ भैया आप नजर आ रहे हो लेकिन अननेसेसरी स्पैम मत करो ब्लॉक हो जाओगे ठीक है यस स्मिता वेरी गुड बेटा वेरी गुड नजर नहीं आ रहे हो तुम क्या वो हो तुम तुम्हारा नाम आ रहा है नजर आके क्या कर लोगे पढ़ लो किंग खान यस यस ब्रूंग कहते हैं बेटा ब्रूइंग ब्रांडी हो गया वाइन हो गया बियर हो गया और रम यस वेरी गुड वेरी गुड बिस्की बियर वाइन ब्रांडी क्या किंग फिशर ब्रांड नहीं पूछा है बेटा तुम अपनी ज्यादा नॉलेज मत दिखाओ ब्रांड नहीं पूछा है अल्कोहलिक बिवरेज के टाइप पूछे टाइप बताइए आपस नाम ना बताइए का, तो का, का, का नाम लिया बहुत जनरल नॉलेज है मेरे बच्चों को आ जाओ वोटका का नाम लिया तो क्या इन सब में अल्कोहल का कंसेंट्रेशन सेम होता है क्या इन सब में अल्कोहल का कंसेंट्रेशन सेम होता है जल्दी से बताओ येस और नो येस और नो बेटा हाँ ओल्ड मॉन्क रमी होती है <laughs> रम हम बात कर चुके हैं इसकी यस रेड बुल इज नॉट अल्कोहलिक कैसी बातें कर रहे हो अल्कोहलिक ड्रिंक पता है बोलोगे तो उसके बोलो बाद कुछ बच्चे बोलेंगे चाय फिर बोलेंगे कॉफी फिर लस्सी भी ले आना तुम है ना पानी भी ले आना तुम एक बच्चा कहता है दारू वाह <laughs> भैया तुम लोग भी कमाल के हो नहीं मैम वेरी गुड सब में अल्कोहल कंसंट्रेशन सेम नहीं होता तो क्या आप बता सकते हो फिर कि अल्कोहल का कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किस पे होता है अल्कोहल का कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है उसको किस प्रोसेस से बनाया जा रहा है अगर बिना डिस्टिलेशन के बनाओगे तो कंसंट्रेशन कम होता है अल्कोहल का इसीलिए वाइन और बियर में कुछ पानी वानी नहीं मिला करके पीते हैं है ना अल्कोहल का कंसनट्रेशन इज लेस जोक्स अ पार्ट है ना आ जाओ तो ये बात हम लिखते हैं अच्छा अगर वाइन भी अल्कोहलिक बेवरेजेस है बियर भी अल्कोहलिक बेवरेजेस है है तो अल्कोहोलिक तो मार्केट में इतनी सारी वैरायटी क्यों है हाँ कफ सिरप वेरी गुड बहुत लोग कफ सिरप पीते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है है ना बस यही था पानी हो गया कफ सिरप हो गया ठीक है क्लियर हो गया प्राइस पे आ, प्राइस निशा लिखने का लिखना तो आपके पास संकल्प में भी पड़ा होगा आपने बेटा लिखने का आपको पीडीएफ मिलेगा आप लिख सकते हो रिवीजन कर रहे हो आप ठीक है इसलिए बेटा क्योंकि अलग अलग रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके प्रोसेस करके उनको बनाया गया है इसलिए इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस मिलते हैं ठीक है तो टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस

बाई विच प्रोसेस बाई विच प्रोसेस एल्कोहलिक बेवरेजेस एल्कोहलिक बेवरेज आर प्रोड्यूस्ड किस प्रोसेस से बन रहा है उस पर भी उसका टाइप डिपेंड करता है जैसे फॉर एग्जाम्पल दो प्रोसेस होते हैं बेटा एल्कोहलिक बेवरेज बनाने के लिए एक होता है बेटा विदाउट डिस्टिलेशन विदाउट डिस्टिलेशन कौन से वाले हैं विदाउट डिस्टिलेशन होते हैं बेटा वाइन और बियर वाइन एंड बियर ठीक है और दूसरा बनाते हो विद डिस्टिलेशन वाले जिसमें आ जाता है ब्रैंडी विस्की रम रम मिटाए गम ठीक है और क्या हो गया और क्या है ब्रांडी विस्की रम वोट का जिन क्लियर हो गया सबको वेरी गुड अब मैं आपको एक टेबल दिखाती हूं अब मैं आपको टेबल दिखाती हूं तो ये देखो ये एक टेबल है यहां पर अल्कोहलिक बेवरेजेस के टाइप हैं ठीक है थीके? यहां पर कौन से सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करके उनको बनाया गया है और यहां पर है बेटा इज अ फाइन फॉर्म ऑफ पिस्की ओनली बेटा स्कॉच ठीक है सीमा और यहाँ पर है कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल जो शुरू में हमने लिखे हैं ना ये बियर और वाइन ये बिना डिस्टिलेशन के बने हैं ठीक है थीके? ये बिना डिस्टिलेशन के बने हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है क्योंकि डिस्टिलेशन प्रोसेस का बेटा इस्तेमाल नहीं किया गया है आप एल्कोहल का कंसनट्रेशन देखना एल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन नेवर एक्सीड्स थोटीन परसेंट ये लाइन एन के इलेवेंथ क्लास के रेस्पिरेशन इन चैप्टर रेस्पिरेशन प्लांट्स में लिखी हुई है कि अल्कोहल कंसंट्रेशन तेरह परसेंट सेक्सीड नहीं करता है अगर विदाउट डिस्टिलेशन से बनाए जाते हैं क्यों नहीं तो ई स्टी मर जाएगा बेटा और ई स्टी मर गया तो बनाएगा कौन फिर ठीक है और अगर आप खुद देख सकते हो बिना डिस्टिलेशन के बने हैं तो अल्कोहल अल्कोहल कंसनट्रेशन इज लेस वेयर एस ये विस्की ब्रांडी रम जिन और वोडका बेटा ये बनाए गए हैं विथ डिस्टिलेशन वाले प्रोसेस से तो जब आप डिस्टिलेशन करते हो तो ज़रा अल्कोहल का कंसंट्रेशन देखना कितना ज़्यादा है विस्की का देखना 50% परसेंट का 60 से 70% परसेंट रम का 40% परसेंट जिन का 40% परसेंट एंड वोडका का देखो बेटा कितना ज़्यादा है ठीक है आप उसका देखो बेटा मैं बच्चों के कमेंट्स नहीं देख पाऊंगी तो फिर कैसे करूंगी हाँ सबको पहचान रही हूँ मैं अपने बच्चों को पहचान रही हूँ तुम टेंशन मत लो तुम पढ़ो सिर्फ तो इसमें देखो अल्कोहल कंसंट्रेशन इज हाई तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टिलेशन क्यों कराते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्टिलेशन क्या आंसर करोगे ठीक है क्या आंसर करोगे क्वेश्चन है वाई डिस्टिलेशन इज डन वाई डिस्टिलेशन इज डन ये क्वेश्चन पी वाई क्यू में पूछा भी हुआ है बेटा क्या क्या आंसर होगा इसका अगर आपको एल्कोहल कंसनट्रेशन बढ़ाना है टू इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ एल्कोहल नहीं आपको याद नहीं करना है बेटा परसेंटेज नहीं याद करना है मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए टेबल ऐड किया है कि देखो डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस होता है तो कितना ज़्यादा अल्कोहल का कंसनट्रेशन बढ़ा हुआ मिलता है डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं होता तो अल्कोहल का कंसनट्रेशन नहीं बनता बेटा एक टेक्निक होती है जो अल्कोहल बनाने के लिए बेवरेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपने पढ़ा भी होगा शायद ठीक है अपने केमिस्ट्री वाले में ये सुशील अपना नाम क्यों बुलवाना है तुमने ठीक है तो डिस्टिलेशन क्यों की जाती है बेटा टू इंक्रीज दी टू इंक्रीज दी एल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन इन एल्कोहलिक बेवरेजिस इवन आपको किस सबस्ट्रेट से क्या बन रहा है वो भी एड करने की जरूरत नहीं वो भी मैंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ है कि देखो सबस्ट्रेट अलग हो रहा है इस सबस्ट्रेट से बार्ले से बियर बनता है फ्रूट जूसेस से वाइन बनता है सीरियल्स को फर्मेंट कराओ विस्की बनता है फ्रूट जूस से ब्रांडी बनता है मुलासिस से रम बनता है राई से जिन बनता है और आलू से वोटका बनता है क्लियर हो गया सबको यस शेखर यस बच्चे पूरा एनसीईआरटी एनसीआरटी डेफिनेटली पढ़ सकते हो बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते अमनप्रीत ओके वेरी गुड तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया इसके बाद ये डायग्राम तो हम पहले ही देख चुके हैं ना अब हम जो दूसरा प्रोडक्ट पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है ठीक है सो तो दैट नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एंटीबायोटिक अब इसमें ध्यान से सुनो गर्लफ्रेंड का बर्थडे है बेटा तू पढ़ ले नहीं तो तू वहीं रह जाएगा गर्लफ्रेंड आगे निकल जाएगी ठीक है ओके okay, कोमल यस यस आई रिमेंबर आई रिमेंबर कोमल परिश्रम बाद यस yes. ठीक है निशा कह रही साफ लिखिए साफ नहीं है बेटा ये अच्छा बेटा मेरी राइटिंग समझ में आ रही है ना बच्चे तो कहते हैं मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है निशा को मेरी राइटिंग ही समझ में नहीं आ रही ऐसा कैसे हो सकता है ठीक है राइटिंग समझ में आ रही ना पहले ये बता दो फिर आगे चलेंगे इज माई राइटिंग ओके इज़ माई राइटिंग विजिबल टू यू समझ में आ रही है बच्चों थोड़ा पानी वानी आप भी पीजिए फ्यूचर डॉक्टर इग्नोर कर दूँ स्पैमर्स को और अगर तुम लोग के डाउट आ रहे हैं तो कहाँ तक पढ़ा दिया है राकेश अभी उठ के आया आई गेस लंच वगैरह करके है ना और यही करते हो तुम लोग तुम लोग लास्ट का वेट करते हो कुछ बच्चे ये लेक्चर पता है कब देखेंगे मार्च में बायोलॉजी के एग्जाम से पहले है ना नो नो मैम मैम यस मैम यस मैम ओके वेरी गुड वेरी गुड बेटा तुम्हें स्क्रीन क्यों लेना है निशा यू विल गेट दीडीएफ आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे आपको पीडीएफ मिलेगा पीडीएम पीडीएफ डाउनलोड करके इसको लिख लेना पी डी क्लिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैं तो बहुत अच्छी हूं तुम भी बहुत अच्छे हो रामकुमार आगे चलते हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे जब पी डाउनलोड करोगे ना बेटा तो आपको अगर छोटी लग रही है तो खुद आपको प्रॉपरली दिखाई देगी ठीक है एंटी का मतलब क्या होता है बेटा एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट बेटा एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट क्या मतलब होता है बेटा अगेंस्ट थोड़ा बड़ा कर देती हूँ नो बरीज बायोटिक का मतलब होता है लाइफ तो क्या ये हमारी लाइफ के अगेंस्ट काम करता है आप जब भी बीमार पड़ते हो जनरली डॉक्टर्स के पास जाते हो जाते हो तो आपका एंटीबायोटिक इंक्लूड कर देता है तो आपको मारने के इरादे से करते हैं नहीं आपकी हेल्थ को बेटर कराने के लिए होते हैं तो इसके नाम में जो एंटी वर्ड है डेफिनेटली वो हमारे लिए नहीं है हमारे लिए तो अच्छे हैं बेटा ठीक तो है तो एंटी लाइफ किसके हैं ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यस yes. तो देखो क्या लिखा हुआ है एंटीबायोटिक मींस अगेंस्ट लाइफ किसके अगेंस्ट अगेंस्ट लाइफ ऑफ डिजीज कॉजिंग डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया ठीक है हमारे लिए तो बेटा ये प्रो लाइफ है प्रो का मतलब क्या होता है फॉर हमारे लिए ही ये बनाए गए हैं सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन था बेटा पेंसिलिन और उसने हमारी सोसाइटी की तरफ बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है तो है ह्यूमन वेलफेयर तो लिखती कि बेटा एंटीबायोटिक का डिस्कवर होना सबसे अच्छा हमारा डिस्कवरी था ड्यूरिंग ट्वेंटी सेंचुरी और एंटीबायोटिक के आने की वजह से इट हैज मेजरली ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी किसने डिस्कवर किया था बेटा दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय मतलब पहला एंटीबायोटिक था पेंसिलिन किसने डिस्कवर किया था एलेक्सेंडर फ्लेमिंग। क्या ये जानबूझ के मतलब ये इसी पर काम कर रहे थे और ये डिस्कवर हो गया ये काम किसी और पर कर रहे थे डिस्कवर हो गया। जल्दी से बताना पकरुद्दीन अंसारी शायद मैंने नाम सही लिया नाशन बताओ बच्चे क्या हुआ था जानबूझ के पढ़ाई कर रहे थे उस पर नहीं ये बहुत किस्मत के धनी थे ठीक है बहुत लकी इनफ थे कि इन्होंने एक क्रेडिट ले लिया है अदरवाइज ही वॉज नॉट वर्किंग विथ इट ये तो काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया के साथ ठीक है येस आपको बताऊं ये किस बैक्टीरिया के साथ काम कर रहे थे ये अपने लैब में एक पेट्री डिश था प्लेट होती है बेटा जिस पे बैक्टीरिया को उगाते हैं कल्चर कराते हैं तो ये काम कर रहे थे बेटा स्टफाइलो पे स्टफाइलो क्या है बेटा स्टफाइलो तो एक बैक्टीरिया है ठीक है जब इन्होंने इस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे तो इस इस प्लेट पर जिसको जिस पर ये इस बैक्टीरिया को उगा रहे थे ग्रोह करा रहे थे इसको वॉश नहीं किया तो जब वॉश नहीं किया और उन्होंने देखा कि इस प्लेट के आसपास, इस प्लेट के कोने में एक ब्लू ग्रीन कलर का मोल्ड ग्लो कर ग्रो कर रहा है ब्लू ग्रीन कलर का मोल्ड ग्रो कर रहा है एक फंगस है जिसका कलर ब्लू ग्रीन है और आपने क्लास में पढ़ा होगा उस ब्लू ग्रीन मोल्ड का नाम क्या होता है बेटा इस ब्लू ग्रीन मोल्ड का नाम होता है पेंसीलियम नोटेटम तब जाकर के इनको इस फंगस के बारे में पता चला और ये फंगस इसके साथ ग्रो कर रहा है और यही फंगस ब्लू ग्रीन मोल्ड का होता है और इसी से एक्सट्रैक्ट किया तो एक केमिकल निकला पेंसिलिन तो पेंसिलिन चांस डिस्कवरी यहां लिखती हूं मैं पेंसिलिन गलती से डिस्कवर हो गया था और गलती से हुई हुई चीज कितनी अच्छी साबित हो रही है है ना सो पेंसिलिन वॉज अ चांस डिस्कवरी चांस डिस्कवरी बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वाइल ही वॉज वर्किंग विथ वाइल ही वॉज वर्किंग विथ स्टाइलो कोकस विथ स्टफाइलो स्टफाइलो कोकस अब हुआ क्या इन्होंने केमिकल तो निकाल दिया पता भी बता भी दिया कि एंटीबायोटिक है बट मेरे बच्चों ये पूरी तरीके से एंटीबायोटिक की तरह काम कर सकता है इसके पास इतनी खतरनाक पोटेंशियल है इन्होंने अकेले साबित नहीं किया था देखो यहां पर लिखा हुआ है एनसीआरटी की एक लाइन इसका फुल पोटेंशियल कि ये एंटीबायोटिक की तरह एक्ट कर सकता है ये बताया था किसने अर्नस चेन और फ्लोरे ने ठीक है और इस दवाई को एंटीबायोटिक को जब अमेरिका की लड़ाई चल रही थी वर्ल्ड वॉर टू में तो अमेरिकन सोल्जर्स घायल हो गए थे तो उनको ठीक करने के लिए उनकी इंजरीज को ठीक करने के लिए इस पेंसिलिन का इस्तेमाल भी किया गया है अब जब डिस्कवरी हो ही गई थी कितना अच्छा एंटीबायोटिक साबित हुआ अमेरिकन सोल्जर को भी ट्रीट कर दिया था तो नाइनटीन में तीनों साइंटिस्ट ऑनस्टेन हॉबर्ट फ्लोरे एंड एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बेटा was, क्या नोबल प्राइज सबसे बड़ा प्राइज ठीक है फॉर दिस डिस्कवरी आज देखो बेटा क्या लिखा हुआ है आज एंटीबायोटिक्स प्लेग वूपिंग कफ डिप्थेरिया लेप्रोसी जैसे बीमारी को ठीक कर सकता है क्लियर है पहले चैप्टर पढ़ लो एक एक करके सब कराया जाएगा टेंशन क्यों लग रहे हो यस वर्ल्ड वॉर टू था वर्ल्ड वॉर टू में इस्तेमाल किया गया था ये लिखी हुई है लाइन फ्यूचर बॉय जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उस पर भी हम आएंगे वो भी एनसीईआरटी की लाइन है सब कुछ एनसीईआरटी से आता है ठीक है उसको भी बताया जाएगा टेंशन मत लो थोड़ा सा धीरज रखो पेशेंस है ना ओ निरंजन थैंक यू सो मच यू योर यू। कमिटमेंट बाय डे थैंक यू सो मच अच्छा डोरेमोन जी आए हैं और डाउट देखो इनका डोरेमोन जैसा ही डाउट है ठीक है ठीक है ओके नेक्स्ट यहाँ तक सबको समझ में आ गया फिर एनसीआर कहती है बेटा कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको इंडस्ट्रियल कमर्शियल लेवल पे मार्केट में आप यूज कर सकते हो इनका अपना इंपॉर्टेंस है जैसे ये देखो कुछ कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स है बेटा ये ऑर्गेनिक एसिड्स भी किससे निकाले जाते हैं माइक्रोब से ठीक है तो आप देखो क्या लिखा हुआ है सबसे पहला माइक्रोब है एस्परजिलस नाइगर जिससे क्या निकाला जाता है सिट्रिक एसिड फिर एक एसिटो बैक्टर एसिटा ये क्या है बेटा बैक्टेरियम इससे जो ऑर्गेनिक एसिड निकलता है एसिटिक एसिड एसेट। सिर का विनेगर कुछ तो सुना होगा यस कासेफ यस आई रिमेंबर योर नेम यस कासेप हाँ मेरा बर्थडे चला गया है तुम अब तुम अभी दो तीन महीने पहले ही गया है ठीक है रोमा यस रोमा यस वेरी गुड बच्चे चलो मुझे परिश्रम वाले बच्चे दिखाई दे रहे हैं अच्छा लग रहा है आज तुम लोगों इसका नहीं आज हाँ तुम लोग में रिविजन किसका चल रहा है हाँ माइक्रोब्स का ही चल रहा है यस यस बहुत सारे बच्चे हैं मेरे वाह दिल खुश कर दिया तुम लोग ने लर्न नहीं करोगे एनसीआरटी में दिया है तो कशिश लर्न तो करना पड़ेगा ना एनसीआरटी की लाइन है ठीक है यस रितेश यस आ जाओ यस yes, मैम पता है सिट्रिक विनेगर एसिड ठीक है वेरी गुड पता है तो वो भी एक प्रकार का एसिड है जो इसी से तो निकाला जाता है ठीक है फिर एक देखो क्या है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है कौन सी एसिड निकल रहा है ब्यूटारिक एसिड लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया तो आपको पता ही है लैक्टिक एसिड बनता हो लैक्टिक एसिड का यूज भी आपको पता है है ना तो ये दीज फॉर्म ऑफ दी ऑर्गेनिक एसिड्स इनको भी माइक्रोब के से ही निकाला जा रहा है तो आप देखो माइक्रोब्स का इस्तेमाल हो रहा है इन ऑर्गेनिक एसिड के प्रोडक्शन में ये NCRT में दिया हुआ है इसलिए ये आपको बता रहे नहीं दिया होता तो शायद नहीं भी बताते इससे जो क्वेश्चन आता आता है मैच फॉलोइंग टाइप ऑफ में आता है बट बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि इससे कौन सा एसिड बना रहे हो और टाइप ऑफ माइक्रोब पूछा जाता है तो आप देखो वैसे तो ये तीनों बैक्टीरिया हैं एक ही फंगस वाला माइक्रोब है जो हम ऑर्गेनिक एसिड के लिए पढ़ रहे हैं क्लियर हो गया पढ़ाई नहीं हो रही बेटा पढ़ना तो अच्छा नहीं लगता किसी को बट पढ़ना पड़ता है अभी आपकी एज है और अभी आपका टेस्ट है ठीक है तो प्लीज़ पढ़िए अभी तो क्लास स्टार्ट हुआ है ब्रेक भी चाहिए इतने छोटे चैप्टर के लिए भी ब्रेक चाहिए चलो तो आ जाओ वापस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी तो एक ही घंटा हुआ है बेटा थक गए तुम लोग तो लेट के पढ़ रहे हो तो भी थक गए टीचर्स तो ना तुम्हारे खड़े हैं सामने ठीक है अच्छा अभी ब्रेक नहीं मिलेगा डोंट आस फॉर दी ब्रेक चलो आ जाओ ऑब्वियसली ऑब्वियसली बेटा नोट no, सफिशियंट ही होते हैं तुम लोग को क्यों नहीं लगता हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछते रहते हो एंड तक यही पूछते रहोगे चलो अब हम पढ़ेंगे इंजाइम्स के बारे में लास्ट हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो हमने क्या लिखा हुआ है सबसे पहली लाइन कि हार्डली से, एक से डेढ़ परसेंट ऑफ टोटल एंजाइम इंडस्ट्री लेवल पे बनती नहीं तो आपको पता है एंजाइम शरीर में होती है अपना काम करती है जो भी उनको करना है बट एक से डेढ़ परसेंट ऑफ दी एंजाइम ठीक है दे आर मेड एट दी या जब मेडिसिन वगैरह बनानी पड़ती है ठीक है तो सबसे पहला है लाइपेस तो सीधा क्वेश्चन आता है बेटा कि लाइपेस का इस्तेमाल कब करते हैं हम डिटर्जेंट को फॉर्मुलेट करने में बेटा सस्ता डिटर्जेंट होता है प्रॉपर फॉर्मुलेशन से नहीं बनता अच्छा नहीं है उसके में वो पावर ही नहीं है कि वो गंदा जो हमारे टी शर्ट पर लग गया है उसको हटा पाए दैट मींस दैट इज नॉट सफिशियंट टू रिमूव दैट स्टेन तो अगर आप चाहते हो डिटर्जेंट को फार्मुलेट करना सो so दैट वो अच्छी तरीके से ऑयली स्टेन को रिमूव कर जाए तो आपको इस एंजाइम की मदद लेनी चाहिए ये एंजाइम डिटर्जेंट को फॉर्मुलेट कर देता है बेहतर बना देता है जिसकी वजह

अच्छा मम्मी जब घर में जूस बनाती है जो होम मेड जूस होता है उसका कलर गाढ़ा होता है या जो बाजार से तुम जूस खरीद के लाते हो उसका कलर गाढ़ा होता है हाँ वॉशिंग पाउडर निर्मा हाँ वेरी गुड दूध सी सफेदी निर्मा में आई है ना यही गाना गाने वाले हो तुम लोग ठीक है हाउ टू रिमेंबर दी बैक्टीरिया नेम बेटा अगर जब याद करने वाली चीज होती है ना तो हमें बचपन में सिखाई गई है जो चीज आप भूलते हो उसको लिख लिख के याद करें हमें क्या लगता है अब तो हम ट्वेल्थ में आ गए हम बचपन में थोड़ी हैं कि हम लिख लिख के याद करें बेटा वो जो तरीका आपको मम्मी पापा ने बचपन में सिखाया था ना वो बचपन के लिए नहीं था वो जब तक आपकी पढ़ाई चलेगी वो तरीका आपको तब तक इस्तेमाल करना है जहां पे भी जब एग्जाम्पल्स आते हैं ठीक है जहां पर भूलने का डर होता है बेटा तब आपको लिख के ही याद रखना चाहिए ठीक है तो बैक्टीरिया लिख करके याद रखोगे जितनी बार लिख लोगे आपको याद हो जाएगा ठीक है वेरी गुड घर वाला डार्क होता है बाजार वाला लाइट कलर का होता है ऐसा क्यों होम मेड गाढ़ा होता है ठीक है ऐसा क्यों बेटा यस yes, क्योंकि बाहर उसको साफ बनाया जाता है बॉटल को क्लियर किया जाता है क्योंकि बाजार में तो वही बिकेगा ना जो सुंदर है बेटा ठीक है वही होगा ना तो होता क्या है जो मार्केट वाले फ्रूट जूसेस होते हैं उनको क्लियर बनाया जाता है उसके अंदर के फाइबर्स हम हाँ, घर में तो फाइबर्स वगैरह सब है लेकिन बाहर वाले में फाइबर्स को डाइजेस्ट करा लेते हैं बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम और उस एंजाइम का नाम है पेक्टिनेस एंड प्रोटीएस कौन सा माइक्रोब से एंजाइम सेक्ट वगैरह हो रहा है उसको नहीं पढ़ना है आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजे फ्रूट जूसेस को साफ सु, साफ सुंदर क्लियर बना देते हैं एज कंपेयर टू दी वन जिसको मम्मी घर में बनाती है ठीक है क्लियर हो गया यस yes. वो सब भी बताया जाएगा तुम लोग तो आगे क्यों भाग जाते हो बेटा तुम्हारी ये गाड़ी बहुत आगे चलती है तो है या या तो तो एकदम एकदम ही पीछे रुक जाती सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह भागते हो तुम वेट करो ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट एंजाइम हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इजोनिस स्ट्रेप्टोकाइनिस एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है उसका नाम क्या है स्ट्रेप्टोकोकस काम क्या है क्लॉट बस्टर क्लॉट तो आपको सबको पता है जब क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की बस्टर का मतलब रिमूव करना क्योंकि आपको पता है बेटा अगर हमारे शरीर में क्लॉट बन जाते हैं तो क्या होता है ब्लड का फ्लो रुक जाता है और ब्लड अगर प्रॉपरली ऑर्गन्स तक ना पहुंचे दिल और दिमाग तक ना पहुंचे बेटा तो गाड़ी बंद हो जाती है ना तो ऐसा चाहिए नहीं कि क्लॉट बने तो क्लॉट को अगर रिमूव कराना है ठीक है तो इस एंजाइम को लेना पड़ता है ठीक है नहीं तो अगर हार्ट हार्ट तक दिल तक ब्लड पहुंचेगा नहीं तो हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट आप सबको पता है ये सारी चीज़ें ठीक है तो इसमें एन में लिखा हुआ है कि मान लो ये ब्लड फ्लो ब्लड कैपिलरी है बेटा कैपिलरी मैंने जितनी मोटी बनाई है इतनी मोटी थोड़ी होती है बहुत पतली होती है बहुत फाइन कैपिलरीज होती हैं तो उसमें अगर ब्लॉकेज हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ब्लॉकेज क्यों होता है जब प्लॉटिंग हो जाती है जब अगर खून के क्लॉथ्स बन जाए उससे क्या होगा बेटा उससे ब्लड फ्लो रुक जाएगा ठीक है तो स्टेप्टोकाइनिस क्या करता है बेटा इस क्लॉट को रिमूव कर देता है बस्ट करवा देता है इसीलिए स्टेप्टोकाइनिस को हम क्या कहते हैं क्लॉट बस्टर कहते हैं स्पेशली स्पेशली क्या है बेटा ये उन पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में गए हुए हैं अगर ऐसा नहीं करोगे क्लॉट बन गया उनमें तो इट विल लीड टू दी हार्ट अटैक जैसे बहुत लोग आपने सुना होगा कभी जब देखते हो कुछ अच्छा चीज़ किसी डॉक्टर का अगर आप इंटरव्यू करा देखते हो क्योंकि एक आई गेस वेदांता डॉक्टर वेदांता हॉस्पिटल है ना मेदांता ठीक है तो वो उनका एक इंटरव्यू था रिगार्डिंग दी कि कोविड के बाद से बहुत सारे हार्ट अटैक हो रहे हैं आपने शायद सुना होगा ठीक है तो बहुत सारे रीजन दे, दे रहे थे तो आपने अगर ऐसे और भी सुने होंगे तो आपने सुना होगा जिनका ब्लड थिक होता है ना उनमें क्लॉट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं इसीलिए वो ब्लड थिनर का इस्तेमाल करते हैं कि ब्लड थिन हो क्लॉटिंग व्लॉटिंग ना हो नहीं तो पता चलेगा क्लॉटिंग व्लॉटिंग हो गई तो गड़बड़ी हो जाता है इसलिए इंजेक्शन दिए जाते हैं उनको ब्लड को थिन करने के लिए ठीक है ओके आगे चले वेरी गुड वेरी गुड आप देखो आगे क्या लिखा हुआ है ये स्टेप्टोकाइन क्या करते हैं क्लॉथ को रिमूव करते हैं ब्लड वेसल्स में उन पेशेंट्स के अंदर हैज गॉन अटैक हो सकता है ठीक है वेरी गुड ये आप पढ़ते हो बेटा मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन जोलॉजी में ठीक है क्लास में पढ़ा होगा ठीक है आगे चलते हैं बेटा और हम बात करते हैं अमाइलेज ये तो सबको पता है स्टार्च के डिग्रेडेशन में इस्तेमाल की जाती है है ना अब इंजाइम के बाद हम पढ़ेंगे दो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में रहते हैं उनसे एक्सट्रैक्ट करके हम उनको अपने वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं ठीक है ओके निखिल यस आगे चले तो सबसे पहला है साइक्लोस्पोरिन ए ठीक है साइक्लोस्पोरिन ए को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट जो इम्यून को सप्रेस कर सके ड्यूरिंग दी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसे बेटा खून की मैचिंग होती है ना खून की मैचिंग का मतलब क्या है अगर आपको किसी को ब्लड डोनेट करना है तो आप सबको कर सकते हो क्या आप तुम बोलोगे मैम एक यूनिवर्सल डोनर होता है यूनिवर्सल रेसिपियंट होता है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं मान लो अगर आपका ए प्लस है तो आप ए प्लस वाले से ही खून लोगे या तुम तुम बी प्लस वाले से भी खून ले लोगे बी नेगेटिव वाले से भी खून खून की भी मैचिंग होती है ना ट्रांसफर करने से पहले डोनेट करने से पहले है ना सिमिलरली बेटा जब ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है ना तो ऑर्गन की भी मैचिंग होती है सुना है कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ऑर्गन की जो मैचिंग होती है सुना है जल्दी बताओ ओ oh, नेगेटिव है तेरा ठीक है भैया तू तो डोनेट कर सकता है सबको वेरी गुड है ना सुना सब ने सुना है ठीक है तो अगर मान लो जैसे लोगों के पास दो किडनियाँ हैं ठीक है थीके? तो वो अगर घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बहुत क्लोज वंस हैं तो आप आपको ऐसा इमोशनल तो आता ही है कोई बात नहीं मैं एक किडनी से काम चला लूँगा या चला लूँ हेलो बच्चों अब मेरी आवाज़ आ रही है बीच में लैग हो गया था टेंशन मत लो बस इतना बता दो एक एक बार रिफ्रेश करना रिफ्रेश करके पेज दोबारा से आओ एंड लेट मी नो कि वॉइस प्रॉपर प्रॉपरली ठीक हो गई है पहले जैसी ठीक हो गया है यस yes, बच्चे बोल रहे हैं ठीक है हाँ तो एक आईफोन ले लियो बेटा किडनी बेच के कोई बात नहीं ठीक है तो वट एवर टेलिंग यू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में ऑर्गन की भी मैचिंग कराते हैं ना ऑर्गन मैच करना चाहिए डॉक्टर्स मैच करते हैं तभी वो डोनेट कर पाते हैं और ये जब प्रोसेस चलता है ना बेटा आप भी पढ़ते हो जोलॉजी के स्टूडेंट्स तो आप भी हो तो अब जो हमारी बॉडी है वो रिस्पॉन्स शो करती है ठीक है वो इम्यून को सप्रेस कर देती है और हो सकता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्ट हो जाए बट सॉरी ठीक है ना स्पीड ओके बच्चों मेरी आवाज ठीक है ना ठीक है सो इम्यून एक्टिविटी की वजह से बेटा वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्ट ना हो जाए इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं ये इम्यून को सप्रेस कर देती है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ठीक है अब इसका काम तो हमने पढ़ लिया कि साइक्लोस्पोरिन का काम होता है इम्यून सबको सप्रेस करता है इसलिए इसको इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट बोलते हैं बट किस माइक्रोब से इसको लिया जाता है तो ये एक फंगस है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीसफोरम नेक्स्ट जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल आपको पढ़ना है वो है स्टैटिंस स्टैटिंस क्या करता है बेटा हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है बेटा बेटा आपको पता है ना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो अच्छा नहीं होता दिल के लिए इसलिए आजकल बड़े सारे ऑयल्स रिफाइंड ऑयल के ऐड में भी ऐसे दिखाते हैं दिल को कैसे साफ मतलब ख़राब जंक ऑयल वाला इस्तेमाल नहीं करना गुड ऑयल इस्तेमाल करना है जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं बढ़ता है बिकॉज कोलेस्ट्रॉल से भी बड़े सारे प्रॉब्लम होते हैं गुड और बैड आपने सुना होगा ठीक है तो कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए इस वाले बायो मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होता है क्योंकि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करते हैं बेटा इसको हम कहते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट और ये एक ईस से ईस्ट में मिलता है दैट इज परप्यूरियस ये भी इनका एक फेवरेट क्वेश्चन है कैसे कोलेस्ट्रॉल बनाने को कम कर देता है बेटा जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाती है उसी एंजाइम से ये लग करके उस एंजाइम का कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कर देता है किसी और को उससे एड नहीं होने देगा तो वो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बना भी नहीं पाएगी दिस इज हाउ स्टैटिन वर्क इन साइड द बॉडी टू लोअर डाउन द कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड क्लियर हो गया सबको यस yes. अब हम चलेंगे बेटा हमने पढ़ लिया दो अपने एक होल्ड प्रोडक्ट्स और एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स नेक्स्ट वी गोना स्टडी अबाउट रिप्लाई इंपॉर्टेंट पता नहीं किस प्लीज स्पैम मत करो बच्चों मुझे बच्चों के डाउट्स देखने ना अभी मैंने डाउट्स पूछा तो ये दोनों पार्ट क्लियर हो गया ना बेटा यस मैम क्लियर है यस मैम क्लियर है ओके ओके ठीक है नेक्स्ट हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्या क्या रिपीट करना है बेटा कौन सा पार्ट रिपीट करना है ये बोलो ना अब हम देखते हैं बेटा की सी ट्रीट किया जाता है तो उसमें माइक्रोब्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहा किस किस स्टेप में लगता है उसके लिए पहले मैं आपको एनसीआर की कुछ लाइन बताती हूँ आ जाओ क्या लिखा हुआ है बेटा सबसे पहले में कि हमें पता है देर आर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर जो जनरेट होते हैं एवरी डे यस सीवेज सुना होगा ना बेटा अब घर का जो कचरा है वो एक पाइप से निकलता है और सीवर वाली लाइन में कनेक्ट होता है सीवर सीवे सबने सुना होगा यस मुनासका बेटा अभी तो बताया हार्ट वाले के लिए कौन होता है क्लॉट बस्टर को कौन रिमूव करता है स्टेप्टोकाइनेस बेटा यस ठीक है पार्थ मैं बच्चा कह रहा है मैम आज तो बहुत शांत है परिश्रम बैच में बहुत डांटती थी बेटा काम ऐसा करते हैं बच्चे तो डांटती हूँ ऐसा नहीं है अभी थोड़ा सा अच्छे मूड में हूँ मैं आज ठीक है सो सीवेज आपने सबने सुना होगा सीवर की आपने लाइन्स हुआ कचड़ा है और उसमें वेस्ट वेस्ट वाटर कहते हैं है ना येस yes, बेटा अब ठीक है अब तो लैग नहीं हो रहा नाउ इज इट ओके प्लीज़ बता दो जल्दी से बेटा बताओ बेटा फिर हम हम आगे शुरू करेंगे प्लीज चेंज द नेटवर्क ठीक है अच्छा सजेशन है पूजा वूजा करके आया करो क्लास लेने से पहले क्लास ना अट के है ना बिना मन के आयो ना पढ़ने आप चलो ठीक है आज स्टार्ट करते हैं हाँ बेटा आज मेरी पहली लाइव है ना थोड़ा सा है बट एनी ये चलता रहता है कोई दिक्कत नहीं है फिर से स्टार्ट करेंगे तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट माइक्रोव इन सीवेज ट्रीटमेंट ठीक है तो सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोव्स का इस्तेमाल होता है ठीक है कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी तो देखो इस सीवेज का सबसे ज्यादा कॉम्पोनेंट क्या है ह्यूमन एक्सक्रीटा इस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को ही हम क्या डिफाइन करते हैं सीवेज इस सीवेज में क्या क्या है बेटा नंबर वन ऑर्गेनिक मैटर और बहुत सारे माइक्रोब्स हैं और ये माइक्रोब्स मामूली नहीं है बेटा पैथोजेनिक है मतलब डिजीज कॉजिंग है कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि इतना ज्यादा वेस्ट वाटर जो डिस्पोज किया जाता है वो कहाँ जाता है डेली टू तो डेली सोचो बेटा इतनी जनता है ठीक है चाइना से भी हम आगे चले गए हैं पॉपुलेशन में इतनी पॉपुलेशन है हमारी है ना तो इतना ज्यादा कचरा निकलता होगा तो इतने डेली बेसिस पे जो कचरा निकल रहा है इट इट इज इज गोइंग गोइंग इन द सीवेज सीवेज वाली लाइन में अब उस सोचो सीवेज की जो लाइन है वो कहां खुलती है रिवर में अगर तुम उस सीवेज को बिना ट्रीट किए उस रिवर में डाल दोगे तो रिवर तुम्हारी पोल्यूट हो जाएगी इसी वजह से सीवेज को रिवर बॉडी में डालने से पहले उसको ट्रीट करना पड़ता है और ट्रीटमेंट चलती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ठीक है तो देखो क्या लिखा हुआ है दिस कैनोट बी डिस्चार्ज इन टू नेचुरल बॉडीज रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली आपको पता है क्यों क्योंकि इट इज हाई लोल्यूटेड तो क्या किया जाता है इस सीबेज को ट्रीट किया जाता है एस टीपीज में जिसको हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ठीक है अच्छा मैं ब्रेक नहीं दे रही हूं इसलिए लैग हो रहा है चुप हो जाओ ब्रेक मिल गया ना लैग के दौरान सो so, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि वॉट इज सीबेज तो सीबेज को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा अभी हमने पढ़ा म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर लोगों के घर का जो कचरा है सारे लोगों के घर का कचरा है उसी को हम क्या कहते हैं सीवेज कहते हैं इस सीवेज में क्या क्या होता है बेटा इट कंटे नंबर वन मेजरली क्या होता है सीवेज में, बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटा इसके अलावा एनसीआरटी ने क्या बोला ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर प्लस डिजीज कॉजिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स या आप लिख सकते हो पैथोजेनिक माइक्रोब्स और इन्हीं सब वजहों से बेटा जो हमारा सीवेज है दैट इज हाईली पोल्यूटेड फॉर दिस रीजन फॉर दिस रीजन सीवेज इज सीवेज इज हाईली पल्यूटेड therefore फोर कैन नॉट बी डिस्चार्ज be फोर कैन नॉट बी डिस्चार्ज डायरेक्टली द रिवर तो क्या करना चाहिए बेटा हमें सीवेज को ट्रीट करना चाहिए ट्रीटमेंट कहाँ चलती है ठीक है कहाँ चलती है ट्रीटमेंट ये देखो अगर ये सीवेज की लाइन है ये सीवेज की लाइन कहाँ जाकर के खुलती है बेटा ये सीवेज की लाइन ये रिवर बॉडी है ये सीवेज की लाइन जाकर के खुलती है रिवर बॉडी में ठीक है बट ये लाइन में जो सीवेज आ रहा है सबसे पहले सीवेज को कहाँ भेजा जाता है बेटा एक प्लांट होता है उस प्लांट का नाम होता है एस टी का फुल फॉर्म क्या है बेटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जब ये सीवेज इन एस से होता हुआ निकलता है बेटा इन एस से होता हुआ निकलता है तो अब सीवेज क्या हो जाता है लेस पल्यूटेड जब सीवेज को तुम लेस पल्यूट कर लेते हो उसके ट्रीटमेंट करा करके ट्रीटमेंट प्लांट्स में तब हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं वाटर बॉडी में ठीक है इससे क्या होगा बेटा जिस भी रिवर बॉडी में डिस्चार्ज किया जा रहा है उसमें पोल्यूशन इतना नहीं होगा अगर तुम बिना ट्रीट किए एज इट इज डिस्चार्ज कर दोगे रिवर बॉडी में तो रिवर तुम्हारी पॉल्यूट हो जाएगी इसीलिए जो मिनिस्ट्री है उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हुए हैं कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई गई है प्लानिंग हुई है अपने मेजर रिवर्स लाइक यमुना और गंगा को सेव करने की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का नंबर बढ़ा करके क्लियर है क्लियर है सबको समझ में आ गया ठीक है अच्छा हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट तो क्या हम बाहर से माइक्रोब्स को ऐड करते हैं नहीं सीवेज में नेचुरली अकरिंग माइक्रोब्स मिलता है बेटा हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब सीवेज में ऑलरेडी प्रेजेंट है नेचुरली प्रेजेंट है बाहर से कोई माइक्रोब ऐड करके उसको ट्रीट नहीं कराया जाता उसके अंदर का जो माइक्रोब है वही इस्तेमाल किया जाता है सीवेज को ट्रीट करने के लिए ठीक है तो सीवेज इज ट्रीटेड सीवेज इज ट्रीटेड बाय Naturally occurring, naturally occurring heterotrophic heterotrophic माइक्रोब्स हमने तो बेटा इस डायग्राम में सिर्फ इतना बोल दिया मैंने आपको इतना समझा दिया आपको कि सीवेज इस ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाता है बट द क्वेश्चन इस बेटा कैसे किया जाता है ठीक है अब हम वो पढ़ते हैं कैसे किया जाता है तो इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज ट्रीटेड सीवेज इज ट्रीटेड इन फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला जो स्टेप होता है बेटा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट क्योंकि सबसे पहली बार आप सीवेज को ट्रीट कर रहे हो तो ऐसी ट्रीटमेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं इसमें फिजिकली होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल नहीं होता इसलिए इसको फिजिकल प्रोसेस कहा जाता है और ये फिजिकल प्रोसेस दो चीज़ों का इस्तेमाल करता है सीवेज को ट्रीट करने के लिए एक होता है बेटा सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन जिसमें जो मोटी मोटी चीज़ें होंगी जो सीवेज के पानी में ऊपर ऊपर फ्लोट कर रही होती है इस फिल्ट्रेशन मेथड से उनको छान लिया जाता है दूसरा अगर मिट्टी है डिजोल्व हो गया है उसमें ठीक है वो नहीं छन पा रहा मिट्टी वैसे भी बहुत फाइन होती है वो आगे निकल जाती है प्रोसेस में तो हम उसको सेडिमेंटेशन करके अलग कर लेते हैं डिटेल प्रोसेस मैं भी आपको समझाऊंगी टेंशन मत लेना प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद तुमने सिर्फ जो मिट्टी है पत्थर है ठीक है छोटे छोटे पेबल्स है वो हटाया है जो चीजें सीबेज वाले पानी में घुल चुकी हैं डिजोल्व हो चुकी हैं वो प्राइमरी ट्रीटमेंट से तुम नहीं हटा सकते ऑर्गेनिक मैटर अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट से साफ नहीं हुआ है तो अब क्या करोगे बेटा अब तुम करोगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट ठीक है सो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा प्राइमरी के बाद प्राइमरी के बाद उस सीवेज को भेज दिया जाता है अगले स्टेप में उस अगले स्टेप को हम क्या कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट इस ट्रीटमेंट में बेटा हम मदद लेते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की सीवेज को ट्रीट करने के लिए इसलिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं इस मेथड को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं क्या कहते हैं बेटा इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं जब तुम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करा देते हो पानी का पोल्यूशन उसके बाद काफी हद तक कम हो जाता है और जब पानी का पोल्यूशन काफी हद तक कम हो जाता है तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट कराने के बाद आप उस सीवेज वाले पानी को रिवर बॉडी में आप डिस्चार्ज कर सकते हो तो ये बात हम लिखेंगे आफ्टर दिस प्रोसेस आफ्टर दिस ट्रीटमेंट पोल्यूशन इज हाइली रिड्यूस्ड सीवेज बिकम लेस पॉल्यूटिंग बिकम लेस पल्यूटिंग therefore therefore sewage the now can be discharged into river body लेकिन सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद तुमने चलो पोल्यूशन तो कम करा लिया है लेकिन पूरी तरीके से ये साफ़ नहीं हुआ है उसमें अगर पेस्टिसाइड्स होंगे साफ़ सुथरा पानी इसको बनाना है अगर आपको घर के पर्पस के लिए यूज़ करना है डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करना है तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के बाद नहीं कर सकते सेकेंडरी के बाद एक बार और ट्रीटमेंट करना पड़ता है उसको हम टर्जरी ट्रीटमेंट कहते हैं तब जाकर के पानी साफ़ होता है टर्जरी ट्रीटमेंट में बेटा आप फिजिकल प्रोसेस का भी इस्तेमाल करते हो ठीक है और केमिकल प्रोसेस का भी एक सेकेंड और केमिकल का भी इस्तेमाल करते हो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस जैसे बेटा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अगर आपने विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि पानी जब पीते हो ना तो क्लोरीन का वो आता है टेस्ट आता है आता है ना क्लोरीन का टेस्ट क्यों बिकॉज क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए साफ करने के लिए तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद अगर पानी आपको रिवर में डालना डाल दो लेकिन अगर उस पानी को चाहते हो घर के पर्पस के लिए यूज करना तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से काम नहीं चलेगा टर्सरी ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा टर्सरी ट्रीटमेंट में क्या करना है बेटा आपको फिजिकल रेडिएशन इस्तेमाल कर सकते हो कौन सी फिजिकल रेडिएशन इस्तेमाल करते हो बेटा यूवी रेस Rays को यूज किया जाता है एज अ डिस पानी को और ट्रीट करने के लिए इवन केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हो पानी को ट्रीट करने के लिए वो केमिकल कौन से होंगे क्लोरीन ठीक है जिरकोनियम आयंस का इस्तेमाल होता है बेटा ओजोन का इस्तेमाल होता है केमेनोफोर सॉल्ट का इस्तेमाल होता है इन सब का यूज किया जाता है एज डिसइंफेक्टेंट तब जाकर के पानी तुम्हारा पूरा क्लियर क्रिस्टल क्लियर होता है और फिर उस पानी का तुम इस्तेमाल कर सकते हो घर के पर्पस के लिए ठीक है क्योंकि टर्शरी ट्रीटमेंट इज गोइंग टू रिमूव पैथोजन पानी से अगर कोई पेस्टिसाइड मिला हुआ है तो पेस्टिसाइड को हटा देगा और पानी को एकदम क्रिस्टल क्लियर बना देता है क्योंकि उसकी टर्बिडिटी गंदापन भी हटा देता है हो गया अभी तो मैंने आपको सिर्फ ब्रीफ में पढ़ाया है बेटा कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं अब मैं आपको डिटेल प्रोसेस समझाती हूँ कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इन तीनों प्रोसेस का इस्तेमाल करके कैसे हम पानी को क्लियर करते हैं कम पोल्यूशन वाला बनाते हैं ठीक है एनसीआर पढ़ोगे तो बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है कि अगर आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखना है तो अपने टीचर के साथ, स्कूल टीचर के के साथ साथ स्कूल एक प्लान बनाओ एंड विजिट करो नियर बाय सीवेज ट्रीटमेंट तो आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी आई गेस कुछ स्कूल वालों ने ऐसा किया होगा क्योंकि हम वर्चुअल तो सब सीख लेंगे क्योंकि एनसीआरटी में थ्योरिटिकल चीजें तो सारी है बट तो प्रैक्टिकल भी होता तो शायद मजा आ जाता है ना बट एनी हम वर्चुअल प्लांट अपना बनाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और उसके जरिए हम सीखेंगे कि आखिर सीवेज को कैसे ट्रीट किया जाता है इन प्लांट्स में क्लियर है टर्जरी नहीं दिया हुआ एनसीआरटी में यस बिल्कुल सही मैं बोल रहा बेटा आप सिर्फ से प्राइमरी सेकेंडरी ही समझो ठीक है उसके बाद एक क्या बनाते हैं बेटा एक सेटअप बनाते हैं किसका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का इमेजिनरी सेटअप बनाते हैं ठीक है थीके? ये हो गया कोई डाउट हो तो पूछ लेना ठीक है तब तक मैं टैंक्स बना लेती हूं तब तक तुम लोग एक बार रेडिंग कर लो एनसीआरटी की ये टैंक्स एनसीआरटी में भी देख रख दे, दिए हुए हैं बेटा अलग अलग ठीक है अब क्या होता है बेटा यहां से इस वाले एंट्री से सीवेज अंदर आता है सबसे पहले सीवेज को कौन से टैंक में भेजा जाता है सबसे पहला जो टैंक लगा है बेटा जिसमें सीवेज आ रहा है दैट इज सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन इसमें क्या लगे होते हैं बेटा डिफरेंट साइज के फिल्टर्स लगे होते हैं ये देखो एक फिल्टर इसकी साइज देखो फिल्टर की फिल्टर क्या होता है बेटा छन्नी तो है अब छन्नी तो बड़े डिफरेंट साइजेस की आती है ना और थोड़ा फाइन कर दो धीरे धीरे जो फिल्टर्स हैं उनके पोर्स छोटे होते चले जाएंगे जैसे घर में होता है ना बेटा छन्नी चाय चाय छानने वाली अलग होती है सब्जी जब आप ड्रेन करते हो साग वगैरह वॉश करते हो उसकी छन्नी अलग होती है आप जब नूडल्स को ड्रेन आउट करते हैं उसकी सी अलग होती है आटा चलनी अलग होती है तो उसमें पोर्स के साइजेस अलग होते हैं सिमिलरली सबसे पहले वाले टैंक में क्या लगाया गया है फिल्टर्स लगाया गया है और देखो फिल्टर सीक्वेंस में लगाए गए हैं सबसे बड़े वाले पोर वाला फिल्टर सबसे पहले सबसे फाइन पोर वाला फिल्टर सबसे बाद में है क्योंकि चीज़ें सीक्वेंस में फिल्टर होती है बेटा इसीलिए इसको सीक्वेंस फिल्ट्रेशन कहते हैं है ना जो चीज़ें बड़ी बड़ी ऊपर फ्लोट कर रही होंगी वो इस फिल्टर से छन जाएंगी जो थोड़ी बहुत यहां नहीं छन पाई वो यहां से पास हो जाएंगी तो धीरे धीरे हम इसी तरीके से जो कचड़ा बड़ा बड़ा होता है लार्ज पार्टिकल्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स जो सीवेज में ऊपर फ्लोट कर रहा होता है उसको हम छन्नी से छान लेते हैं फिर क्या होता है बेटा अब देखो जो मिट्टी है बेटा वो तो इनसे नहीं छन पाएगी तो सारा का सारा सीवेज अब हम अगले टैंक में भेज देते हैं इसको हम सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं यहां हम इसको प्राइमरी सेटलिंग टैंक कहते हैं क्या कहते हैं बेटा हम इसको हम इसको प्राइमरी सेटलिंग टैंक कहते हैं इसमें क्या कराया जाता है जैसे आपको स्कूल में कराया गया होगा मिट्टी और पानी को घोल लेते हो बेटा एक बीकर में और फिर उस बीकर को साइड में रख देते हो कुछ टाइम के बाद देखते हो मिट्टी सारी सेटल हो गई है पानी ऊपर ऊपर फ्लोट कर रहा है, है ना सिमिलरली सेडिमेंटेशन का मतलब ही वही होता है सेडिमेंटेशन में हम क्या करते हैं सीवेज को ला के कुछ टाइम के लिए यही छोड़ देते हैं तो जो कचड़ा है सॉयल है वो नीचे सेटल हो जाता है जो चीज नीचे सेटल्ड हो जाती है जो वेस्ट नीचे सेटल हो जाता है उसको प्राइमरी स्लज कहा जाता है जो पानी ऊपर ऊपर फ्लोट कर रहा होता है हम उसको प्राइमरी एफ्लुएंट कहते हैं प्राइमरी वर्ड क्यों है क्योंकि ये effluent, ये कचड़ा, ये एफ्लुएंट कचड़ा आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट के थ्रू मिल रहा है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट से मोटी मोटी चीजें मिट्टी वगैरह आपने सेपरेट कर लिए बट जो चीजें सीवेज में डिजॉल्व हो गई है बेटा वो आप नहीं सेपरेट कर पाए हो इसीलिए इस एफ्लुएंट को कहां भेज दोगे आप अरेशन टैंक में सेडिमेंटेशन खत्म तो प्राइमरी ट्रीटमेंट खत्म यहां से यहां तक आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट कराया है यहां से सेडिमेंटेशन टैंक तक बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट कराया है अब इसके बाद क्या शुरू होगा बेटा इसके बाद शुरू हो रहा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट ठीक है अब सबसे पहला सीवेज सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कौन सी टैंक में जाता है बेटा निरंजन बच्चे या और भी जो भी बच्चे मैं उनको बता रही हूँ वेन आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग तो मेरा मुंह डाउट डाउट की तरफ नहीं है मैं ब्लैक बोर्ड पर दिख के पढ़ा रही हूँ और मेरा फोकस आपको भी समझाने पर है तो प्लीज़ आप भी अपना फोकस समझने पर रखो राधर देन डूइंग चैटिंग और ये बोलना मैम रिप्लाई नहीं कर रही बेटा मैम रिप्लाई करेंगी मैम आपका डाउट्स बताएंगी बट पहले समझ लो ठीक है तो सबसे पहला क्या होता है बेटा सबसे पहला लगता है यहाँ पर ये फैन टाइप का एक ये क्या है इसको एजिटेटर कहते हैं ये क्या करता है बेटा जैसे ही सीवेज इसके अंदर आता है उसको घुमाता है और क्या क्रिएट होती है ऑक्सीजन ठीक है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस इस टैंक में चाहिए होती है इसलिए इसको अरेशन टैंक कहते हैं तो जब सीवेज अंदर आता है इसको मैकेनिकली घुमाया जाता है और जिसकी वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एक माइक्रोब की ग्रोथ होती है उसको क्या कहते हैं फ्लॉक्स फ्लॉक्स Uh, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया और फंगस का बना होता है बेटा और क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना सीवेज को डाइजेस्ट करते हैं इनको हम एरोबिक माइक्रोब्स कहते हैं ये फ्लॉक्स क्या करते हैं बेटा सीवेज को डाइजेस्ट करते चले जाते हैं उनके ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते चले जाते हैं फ्लॉक्स ये सिलसिला तब तक जारी रखता है जब तक कि इस टैंक का सीवेज का बीओडी घट ना जाए क्योंकि बेटा अगर एक बार सीवेज की बीओडी कम हो जाती है दैट मींस वो कम पॉल्यूशन वाला हो गया है बीओडी मैं अलग से भी बताऊंगी टेंशन मत लेना ठीक है जब एक सीवेज का बीओडी काफी हद तक कम किया जा चुका है तब फिर सीवेज को एरेशन टैंक से कहा भेज दिया जाता है दूसरे टैंक में इस टैंक का नाम है बेटा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक सेकेंडरी सेटलिंग टैंक दैट मींस इसमें भी हम सीवेज को अब सेटल करने के लिए छोड़ेंगे तो कुछ चीजें नीचे सेटल्ड हो जाएंगी जो वेस्ट नीचे सेटल्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं सेटल्ड स्लज या आप उसको बोलते हो एक्टिवेटेड स्लज इसको एक्टिवेटेड स्लज क्यों बोलते हैं बेटा क्योंकि आपने सीवेज के साथ साथ यहाँ पर जो एक्टिव माइक्रोब्स थे फ्लॉक्स थे उसको भी ट्रांसफर कर दिया है तो ये जो है इट इट इज़ इज़ रिच रिच इन इन एक्टिव माइक्रोब्स इसी वजह से स्लज को हम क्या कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज जो पानी होगा वो ऊपर फ्लोट कर रहा होगा अब ये पानी का काफी हद तक तुमने पोल्यूशन कम कर दिया है तो आप इसको अब रिवर में फेंक सकते हो बट अगर इस पानी को आप चाहते हो डोमेस्टिक अपने घर के लिए यूज करना फिर इस पानी को आप टर्जरी ट्रीटमेंट में भेज दोगे टर्जरी है नहीं तो इतना डिटेल में पढ़ेंगे नहीं ठीक है तो हमने पानी का पोल्यूशन कम करके रिवर में तो डिस्चार्ज कर दिया बट वॉट अबाउट दिस स्लज स्लज का क्या करेंगे देखो इसका मेजर पोर्शन तो कहां चला जाता है यहां पर एक टैंक होता है बेटा इसके उस टैंक का नाम क्या है उस टैंक का नाम है बेटा एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर ठीक है तो क्या किया जाता है इस वेस्ट का एक्टिवेटेड स्लज का मेजर हिस्सा मेजर हिस्सा इस डाइजेस्टर टैंक में भेज देते हैं जहां पर माइक्रो मौजूद होता है हम बायोगैस कहते हैं तो सीवेज को ट्रीट करने से तुम्हें दो फायदा मिला एक पंथ दो काज और वो दो फायदा क्या था सीवेज का पोल्यूशन भी घटा दिया तुमने जिससे तुमने रिवर पोल्यूशन होने से बचा दिया और दूसरा जो कचड़ा मिला था आपको उस

अगर मैं आपसे बोलूं कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सिर्फ एरोबिक माइक्रोब का इस्तेमाल है तो ये गलत होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरोबिक माइक्रोब का भी इस्तेमाल होता है और एरोबिक माइक्रोब का इस्तेमाल होता है एरेशन टैंक में एनअरोबिक माइक्रोब का इस्तेमाल होता है डाइजेस्टर टैंक में अब ये जो मैंने आपको कहानी बताई है बेटा इसको क्यों ना थ्योरेटिकली भी पढ़ लें ठीक है तो थ्योरेटिकली देखो क्या लिखा हुआ है ये देखो सबसे पहले लिखा हुआ है प्राइमरी ट्रीटमेंट और जब भी बेटा ये बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा तो आपने क्या करना है इस तरीके से लिखना है सेटअप को पूरा बना करके तो देखो क्या लिखा हुआ है ये एक प्रकार का फिजिकल रिमूवल है क्योंकि फिजिकली तुम चीजों को रिमूव करते हो इसीलिए इस प्रोसेस को फिजिकल प्रोसेस कहते हैं ठीक है क्लियर हो गया अल कैरी अरेशन टैंक वाला रिपीट करना है अरेशन टैंक वाला रिपीट होगा अभी हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाने वाले टेंशन मत लो बीओडी क्या होता है एलियन बच्चे वो भी बताया जाएगा टेंशन मत लो बीओडी मैंने कहा ना मैं अलग से समझाऊंगी तो टेंशन क्यों लेना टेंशन देने का ठीक है हो गए ठीक है नेक्स्ट तो क्या क्या चीजें रिमूव की जाती है बेटा लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स को रिमूव किया कर दिया जाता है सीवेज से कैसे रिमूव किया जाता है सबसे पहले क्या किया जाता है बेटा जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है डेब्रिस का मतलब कचड़ा जो कचड़ा ऊपर ऊपर से फ्लोट कर रहा होता है उसको रिमूव किया जाता है सीक्वेंस फिल्ट्रेशन से क्योंकि फिल्टर जो लगे हैं वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद, एक के बाद लगे हुए हैं सीक्वेंस में लगे हुए हैं और सीक्वेंस में चीजों को फिल्टर आउट करते जा रहे हैं फिर जो ग्रिट होता है ग्रिट का मतलब बेटा सॉइल और छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं वो फिल्टर से रिमूव नहीं हो पाए तो उसको क्या करोगे आप सेडिमेंटेशन के थ्रू रिमूव करोगे सेटलिंग टैंक होता है वहां पर उनको सेडिमेंट करने के लिए सेटल होने के लिए छोड़ दोगे जो चीजें सेटल हो जाती हैं बेटा ठीक है उसको हम क्या कहते हैं प्राइमरी स्लज और जो ऊपर सुपर नेटेंट फ्लोट कर रहा होता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं एफ्लुएंट अब ये जो एफ्लुएंट मिलता है हम उसको कहाँ भेज देते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अब देखते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट देखो क्या होता है बेटा प्राइमरी एफ्लुएंट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से आया इसको पास करा दिया जाता है बड़े से टैंक में जो बच्चे कह रहे थे रेशन टैंक मैम दोबारा से बता दो सुनना कान खोल के बेटा ठीक है उसमें क्या होता है रेशन टैंक में एक एजिटेटर है फैन टाइप का था ना उसको घुमाया जाता है मैकेनिकली एजिटेट कराया जाता है और प्रॉपर एयर सप्लाई दी जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है इसलिए उसको एरेशन टैंक टैंक कहते हैं अब क्या होगा उस में बेटा बहुत अच्छे एरोबिक माइक्रोब्स हैं जिनकी ग्रोथ होती है और वो क्या बनाते हैं बेटा फ्लॉक्स फ्लॉक्स जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है किसका बना हुआ है बेटा ये बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स के बने होते हैं और यही और बैक्टीरिया को मिला दो तो फ्लॉक्स कहलाता है और यही बैक्टीरिया फंजाई रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा सीवेज को ट्रीट करने के लिए ठीक है तो देखो क्या लिखा हुआ है ये जो ग्रोइंग माइक्रोब्स हैं ठीक है ग्रोइंग माइक्रोब्स कौन यही फ्लॉक्स तो ये ग्रोइंग माइक्रोब्स क्या करता है सीवेज के ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता है हमने शुरू में पढ़ा था कि सीवेज पोल्यूटेड क्यों है बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है ये फ्लॉक्स उसी ऑर्गेनिक मैटर को खा जाते हैं अगर ऑर्गेनिक मैटर ही खा जाएंगे डाइजेस्ट कर जाएंगे तो जाहिर सी बात है ना पोल्यूशन कम हो जाएगा तो देखो क्या लिखा हुआ है ये जो माइक्रोब्स हैं ये कंज्यूम कर लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर सीवेज का जिसकी वजह से बेटा बीओडी सीवेज की काफी घट जाती है और बीओडी का घटना मतलब पॉल्यूशन का घटना जब एक बार पॉल्यूशन काफी हद तक कम हो जाता है तो देखो क्या लिखा हुआ है जब बीओडी सीवेज का कम हो जाता है तो उसके एफ्लुएंट को सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में पास करा दिया जाता है वहां पर फिर से सीवेज को सेटल होने का मौका देते हैं जो चीजें सेटल हो जाती है उसको एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें रिच एक्टिव फ्लॉक्स हैं ठीक है, इस है। अब इस एक्टिवेटेड स्लज का क्या होता है देखो थोड़ा सा पोर्शन एक्टिवेटेड स्लच का हम दोबारा से कहा डाल देते हैं बेटा टैंक में टू एक्ट एस लेकिन मेजर पोर्शन भेज दिया जाता है लार्ज टैंक्स में जिस टैंक का नाम है एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर वहां पर क्या होगा उस सीवेज का तो उस एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में हेट्रोट्रोफिक एन माइक्रोब्स मौजूद होते हैं बेटा जो कि क्या करते हैं उस स्लज को एनरोबिकली डाइजेस्ट करते हैं और ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बेटा मिक्सचर ऑफ गैस मिलती है मिथेन मिलती है हाइड्रोजन सल्फाइड मिलती है एंड सीओ टू मिलती है और यही मिक्सचर ऑफ गैस क्या कहलाती है बायोगैस कहलाती है सो दिस इज हाउ सीवेज ट्रीटेड एंड फाइनली हम उसके पोल्यूशन को घटा देते हैं क्लियर हो गया सबको अब बहुत सारे बच्चे एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं बीओडी का मतलब क्या होता है जिस बच्चे ने पूछा है तो अब आओ मैं आपको बीओडी समझाती हूं बीओडी है क्या देखो व्हाट इज बीओडी एक पतीला है बेटा ठीक है इस पतीले में वेस्ट वाटर है एक पानी को हम वेस्ट क्यों कह रहे हैं दैट मीन्स उसमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है पॉल्यूशन कब ज्यादा होता है जब उस पानी में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है ऑर्गेनिक मैटर का ज्यादा होना बेटा मतलब पॉल्यूशन ज्यादा होना ठीक है अब इस पानी में एरोबिक माइक्रोब्स हैं जिसको हम फ्लॉक्स कहते हैं फ्लॉक्स का काम होता है ऑर्गेनिक मैटर को खाना ठीक है फ्लॉक्स बेटा तभी ऑर्गेनिक मैटर को खा पाएंगे जब उनको ऑक्सीजन मिलती है ठीक है तो फ्लॉक्स ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए डाइजेस्ट करने के लिए इनको ऑक्सीजन चाहिए। अगर इनकी ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा ज़्यादा आ रही है, अगर ये ऑक्सीजन मांग रहे हैं ठीक है दैट मीनस पानी में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है इसीलिए हम कहते हैं कि अगर फ्लॉक्स की ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर फ्लॉक्स की ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है दैट मींस पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तभी इसको ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा है इनको खाने के लिए ऑन दैट मींस बेटा पानी में पोल्यूशन ज्यादा है जब फ्लॉक्स ऑर्गेनिक मैटर खा जाएगा तब उसको और ऑक्सीजन की डिमांड तो लगेगी नहीं उस टाइम पर इसका बीओडी घट जाएगा क्यों घट गया क्योंकि अब इसने काफी हद तक ऑर्गेनिक मैटर खा लिए हैं तो पानी से ऑर्गेनिक मैटर कम हो चुका है कम हो चुका है तो डिमांड भी घट जाएगी और पोल्यूशन भी घट जाएगा तो एक्चुअली ये क्या है बेटा बीओडी बीओडी ऑक्सीजन डिमांड है कौन डिमांड कर रहा है हम डिमांड कर रहे हैं मैं कर रही हूं आप कर रहे हो डिमांड हम नहीं कर रहे डिमांड बेटा माइक्रोब की डिमांड है ठीक है किस लिए इसको चाहिए ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए अगर इसकी भूख ज्यादा है ऑक्सीजन की दैट मींस पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है क्लियर हो गया क्लियर हो गया हां तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कह सकते हो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कह सकते हो क्लियर है क्लियर हो गया ओके okay. तो यहां पर देखो लिखा हुआ है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत बच्चे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कह रहे हैं बिल्कुल एक COD भी होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ठीक है तो आप देखो यहां पर लिखा हुआ है बीओडी रिफर करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि चाहिए होता है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए वाया बैक्टीरिया बीओडी क्या मेजर करता है बेटा अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो तो इट मेजर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन दी वेस्ट वाटर ठीक है और अगर फ्लॉक्स की ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी दैट मीन्स पोल्यूशन भी ज्यादा है क्या ऑर्गेनिक बेटा क्या बोले जा रहे हो भूख लग रही है पढ़ लो पहले क्लियर हो गया ठीक है यहां तक सबको समझ में आ गया है बेटा फिर वो याद कर ले कोई 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 भी याद कर सकते हो आप ठीक है क्लियर हो गया यहां तक जल्दी से बता दो थम्स अप दे दो बेटा ओके मैम फास्टर और तेजी से पढ़ाया जाए ठीक है तो सीवेज ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिया माइक्रोब्स का इस्तेमाल हमने देख लिया सीवेज ट्रीटमेंट में अब देखो एक लाइन हम एन सी के पढ़ते हैं ये जो पैराग्राफ है एन ने लिखा हुआ है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि कैसे माइक्रोब्स इतने मिलियंस ऑफ वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ऑल अक्रॉस एक्रॉस ग्लोब और आज तक बेटा ह्यूमन मैनमेड टेक्नोलॉजीज नहीं बनी है माइक्रोब्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे हर जगह के कंट्री में सीवेज को ट्रीट करने के लिए अब क्योंकि सीवेज में पॉल्यूशन है तो ट्रीट करना पड़ेगा है ना क्योंकि जनता बढ़ रही है है ना हम तो चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं बेटा पॉपुलेशन में इतना ज्यादा वेस्ट वाटर सिक्रीट होगा क्योंकि जनता ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा कचड़ा ज्यादा इसीलिए मिनिस्ट्री ने देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान हमारी जो दो मेजर रिवर्स हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए कि आपको अगर इन रिवर बॉडीज में सीवेज डालना है तो ट्रीट करके ही डालना है और क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है कचड़ा ज्यादा क्रिएट हो रहा है सीवेज का अमाउंट ज्यादा क्रिएट हो रहा है इसीलिए ये कहा गया है इन प्लांट्स के तहत कि मोर नंबर ऑफ प्लांट्स शुड बी देयर फॉर ट्रीटिंग द सीवेज क्लियर है ठीक है बेटा ठीक है क्लियर हो गया ओके okay. नेक्स्ट हम चलेंगे बेटा देखो हमने एनसीआरटी भी कर ली इसकी अब हम बात करेंगे किसकी नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बायोगैस प्रोडक्शन ठीक है दो 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 टॉपिक बचा है छोटा छोटा पढ़ लो खत्म करते हैं उसके बाद खाना खा लेना तुम भी खाना खा लेना मैं भी खाना खा लूंगी ठीक है थोड़ा सा टॉपिक रह गया बेटा अब हम इस्तेमाल करेंगे बायोगैस का प्रोडक्शन अभी लैग नहीं हुआ होता बीच में दो बार ही तो शायद अभी तक तो हमारा खत्म हो जाता बहुत छोटा चैप्टर है क्योंकि ठीक है तो बायोगैस क्या होता है बेटा बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैस ठीक है इसमें सबसे मेजर गैस कौन होता है बेटा मीथेन ठीक है कंसंट्रेशन 60 से 70% मीथेन के बाद कंसंट्रेशन होती है 30 से 40% CO2 की और SO2 या H2S 10% के अराउंड होते हैं तो मेजर गैस कौन होती है मीथेन कैसे बनता है ये मिक्सचर ऑफ गैस बेटा ये मिक्सचर ऑफ गैस बनता है माइक्रोबियल एक्टिविटी से कौन सा माइक्रोब होता है बेटा मीथेनोजेन्स क्लास 11th में पढ़ा होगा ये एक प्रकार के आर्किया बैक्टीरिया होते हैं मीथेनोजेन्स का एक एग्जांपल है मीथेनोबैक्टीरियम यही मीथेनोबैक्टीरियम बेटा अपने एरोबिक एक्शन से प्रोड्यूस करता है मिक्सचर ऑफ गैस जिसको हम बायोगैस कहते हैं कहां पर मिलता है ये एक तो मिलता है ये एन एरोबिक स्लश डाइजेस्टर में सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान वहां पे उसकी प्रेजेंस होती है दूसरा ये मिलता है गाय भैंस के पेट में ठीक है देखो लिखा हुआ है र्यूमन र्यूमन क्या होता है पार्ट ऑफ स्टमक ये वहां पर मिलते हैं और वहां पर क्या करते हैं अब ये क्या खाती है गाय भैंस घास खाती है घास में क्या होता है सेल्युलस तो ये वहां पर रह करके उनके सेल्युलोज के डाइजेशन में मदद करते हैं अब जब खाना पूरा डाइजेस्ट नहीं होता तो कुछ वेस्ट निकलता है तो गाय भैंस के वेस्ट को क्या कहते हैं डंग गोबर तो उस गोबर में बेटा बहुत ज्यादा मिथेनोजेंस मौजूद है और जहां पर मिथेनोजेंस है फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बायोगैस प्रोड्यूस करने में क्योंकि गोबर का इस्तेमाल किया जाता है बेटा बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए इसलिए बायोगैस को गोबर गैस भी बोलते हैं ठीक है तो आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि मिथेनोजेंस एनएरोबिकली ब्रेक करता है सेल्यूलोजिक मटेरियल को और क्या प्रोड्यूस करता है सीओ टू एन एस टू ये भी किसके हैं बायोगैस के ही पार्ट होता है ठीक है उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है मिथेनोजेंस मिलते हैं स्लज में ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट हमने देखा उसके बाद ये कहां पर मिलते हैं र्यूमेन ऑफ कैटल और वो वहां पर रह करके सेल्यूलोस डाइजेस्ट करके उनके न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं ठीक है आगे देखो हमारे इंडिया में बेटा ये जो बायोगैस की टेक्नोलॉजी है ये लाने वाले कौन थे खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन और इंडियन एग्रीकल्चर रिसोर्च इंस्टीट्यूट अब बेटा गाय भैंस कहाँ होती है गोबर ज्यादा कहाँ मिलेगा गाँव में रूरल एरियाज में तो जनरली आपको शहरों में बायोगैस प्लांट नहीं मिलता आपको बायोगैस प्लांट रूरल एरियाज में ही मिलता है ठीक है ये देखो एनसीईआरटी का एक डायग्राम है शायद आपने स्कूल में अगर ऐसे अच्छे टूअर्स लगते होंगे कभी ले जा गया होगा तो आपने शायद बायोगैस प्लांट देखा होगा अंडर द ग्राउंड होता है आप देखो तीन टैंक का इस्तेमाल किया गया है पहला टैंक होता है इनलेट टैंक जिसके थ्रू रॉ मटेरियल अंदर आता है तो देखो डंग मतलब गोबर और पानी को मिलाया जाता है एक सेमी लिक्विड फॉर्म की स्लरी बनाई जाती है स्लरी क्या है बेटा पानी और गोबर का मिक्सचर ठीक है इस स्लरी को सबसे पहले इनलेट टैंक में भेजते हैं इनलेट टैंक के बाद देखो एक पाइप कनेक्टेड है तो ये पूरा का पूरा स्लरी कहाँ आ जाता है डाइजेस्टर टैंक में यहाँ डाइजेस्टर टैंक में डाइजेशन करने वाले माइक्रोव मौजूद हैं जब उस स्लरी का डाइजेशन होता है तब जाकर के गैस प्रोड्यूस होता है गैस को हम एक यहां कंटेनर में पक होल्ड करके रखते हैं यहाँ पर गैस बनती है इसके ऊपर एक कवर लगता है वो कवर ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है ऐसे हमारी एनसीआर लिखती है क्यों जैसे घर में बेटा जब पानी गर्म करती है मम्मी तो भगोना जब गैस पे चढ़ाते हैं तो जल्दी गर्म हो जाता है तो प्लेट रख देते हैं जब उसके पानी गर्म हो जाता है वेपर्स फ्यूम्स बनते हैं तो प्लेट भी ऐसे ऊपर नीचे हो रही होती है ना तो वेपर बनता है इस वजह से तो क्योंकि गैस प्रोड्यूस होती रहती है इसके पास जो फ्लोटिंग कवर होता है उस तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है दैट कीप्स ऑन राइजिंग ऐसा एनसीआरटी लिखती है इसके बाद देखो इसमें एक पाइप कनेक्टेड है ये पाइप में क्या जा रहा है बायोगैस जा रहा है इस पाइप को हम घरों तक सप्लाई कर सकते हैं और फिर इस बायोगैस को एज अ फ्यूअल इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कुकिंग वगैरह करना है लाइटिंग वगैरह करनी है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाए एक टिपिकल बायोगैस प्लांट बनाओ तो ये बनाओगे बायोगैस प्लांट का अगर एक्सप्लेनेशन पूछा जाए तो ये लिख देना कि जो रॉ मटेरियल होता है वो गोबर होता है गाय भैंस का ठीक है बायोगैस में एक बहुत बड़ा टैंक होता है डाइजेस्टर टैंक जो दस से पंद्रह फीट जमीन के अंदर होता है ठीक है टैंक में एक फ्लोटिंग कवर होता है बेटा जो प्रोडक्शन ऑफ गैस से ऊपर नीचे से होता रहता है जो बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जाता है बायोगैस बनाने के लिए दैट इज मिथेनो यही मिथेनो एक्ट करता है बायो वेस्ट पर और इसके डाइजेशन से मिलता है मिक्सचर ऑफ गैस जिसको हम बायोगैस कहते हैं फिर इस बायोगैस को आप नियर बाय हाउसेज में सप्लाई कर सकते हो इसके बाद आप देखो अच्छा एक चीज जो तुमने स्लरी डाला था यहां पर सारा का सारा स्लरी तो इस्तेमाल होगा नहीं मतलब स्लरी डाइजेस्ट हो गया गैस बना लिया अब जो बचा खुचा है ना बेटा है तो गोबर ही तो इसको इकट्ठा कर लिया जाता है आउटलेट टैंक में जो स्लरी डाइजेशन के बाद बच जाती है उसको स्प्लेंड स्लरी कहते हैं है तो गोबर ही गोबर को आप एज अ खाद इस्तेमाल कर लो तो उसको एज अ फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसमें जो वेस्ट है वो भी एज अ वेस्ट नहीं होता बेटा उसको भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि गैस प्रोड्यूस सॉरी थ्रू एन अदर आउटलेट जो स्पेंट्स लरी है उसको रिमूव कर लेते हैं और उसको एज अ फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं नीचे वाले लाइन में लिखा हुआ है कि बायोगैस को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ एनर्जी है कुकिंग और लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो यस भावेश आई रिमेंबर हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड क्लियर हो गया क्लियर हो गया बेटा अब हम पढ़ेंगे बेटा बायो कंट्रोल एजेंट्स ठीक है बायो कंट्रोल एजेंट्स पहले एन पढ़ते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स का आप मुझे बताओ व्हाट इज बायो कंट्रोल एजेंट्स पहले आप मुझे बताओ फिर मैं बताऊंगी अब दो ही टॉपिक बचा है बेटा दोनों बहुत छोटे छोटे हैं तो पढ़ लो खत्म करते हैं द, देन आराम से ब्रेक लेंगे ठीक है बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होता है जब हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं कीड़ों को मारने के लिए या किसी एक्सपर्ट चीजों को ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए तो हम उसको बायो कंट्रोल एजेंट्स कहते हैं जैसे बेटा मान लो पानी में मच्छर है तो उस मच्छर को मारने के लिए आप केमिकल इस्तेमाल कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट सोचो उस केमिकल का आपको टेम्प्रेरी इफेक्ट तो दिख जाएगा कि टेम्प्रेरी इम्पेक्ट होगा मच्छर मर गए बट तुम्हारा इन्वायरमेंट तो पोल्यूट हो रहा है ना तुम वाटर पोल्यूशन तो कॉज कर रहे हो ना उस केमिकल को रिलीज करके इससे अच्छा क्या है नेचुरल तरीका इस्तेमाल करो नेचुरल चीज हमेशा अच्छी होती है क्या नेचुरल तरीका है एक मछली छोड़ दो एक गैम्बूसिया फिश होती है बेटा वो उस मॉस्किटो को वैसे ही खा जाएगी ठीक है वो खा के अपना पेट भर लेगी कोई इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा नहीं क्योंकि तुमने केमिकल की मदद नहीं ली सिमिलरली बेटा अगर तुम्हें किसी पेस्ट को मारना है आपने देखा होगा ना कीड़े लग जाते हैं पेड़ों को ठीक है पौधों को तो अगर उस कीड़े को मारना है तो हम क्या छिड़क मतलब स्प्रे कर देते हैं केमिकल्स छिड़क देते हैं केमिकल्स पेस्टिसाइड्स ठीक है अब बेटा है तो केमिकल ही ना और केमिकल का तो इम्पैक्ट होगा टेम्प्रेरी इफेक्ट ये देखोगा क्या कीड़ा मर गया लेकिन हो सकता है उसका इम्पेक्ट प्लांट पर हो हो सकता है सॉइल पर हो सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाए और प्लांट ही खराब हो जाए तो जिसके लिए तुमने मारा था प्लांट बचाने के लिए प्लांट ही नहीं बचा तो वाई टू यूज सच केमिकल्स जब हम नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं एनसीआरटी कहती है माइक्रोब का ही इस्तेमाल करो एक माइक्रोब को छोड़ दो वो नेचुरली उसको खा जाएगा मार देगा बिना किसी केमिकल का मदद लेकर के तो इसमें क्या है तुम प्रिडेशन की मदद ले रहे हो प्रिडेशन एक तरीके का बायोलॉजिकल मेथड है जब बायोलॉजिकल मेथड बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का ही इस्तेमाल करते हो आप दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकने के लिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बायो कंट्रोल एजेंट्स कहते हैं वो बीटी वाला केस आपने पढ़ा होगा बायोटेक में ठीक है आ जाओ पढ़ते हैं फिर लाइव क्लास की टाइमिंग तो आप दोस्त दो से होती है ना दो टाइमिंग से एक दो से पांच और एक गेस्ट छह वाली है आप हमेशा अपने कम्युनिटी पोस्ट पे देख लिया करो बेटा तो देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है कि बायो कंट्रोल का मतलब क्या होता है इट रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स ठीक है बायोलॉजिकल मेथड्स का इस्तेमाल करो प्लांट डिजीजेस और पेस्ट को रोकने के लिए हमारे मॉडर्न सोसाइटी में बेटा ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको टैकल किया जाता है बाय द यूज ऑफ केमिकल्स और हम यही मार खा जाते हैं जब हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनका सोल्यूशन केमिकल नहीं है इनका सोल्यूशन बायोलॉजिकल तरीका ही है ठीक है हम केमिकल्स कौन कौन से यूज करते हैं हम इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं इंसेक्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड कर लेते हैं बट ये अच्छे नहीं होते ये केमिकल्स टॉक्सिक होते हैं और एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं हमारे लिए एनिमल्स के लिए भी ठीक है एंड दे हैव बीन पोल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट पता नहीं कब से ठीक है तुम केमिकल छिड़क रहे हो और फिर वही केमिकल वाले फ्रूट खाओगे इसीलिए आजकल लोग ऑर्गेनिक चीजों की तरफ मूव कर रहे हैं केमिकल वाला नहीं ठीक है आगे और देखो क्या लिखा हुआ है इसमें हम क्या करते हैं बेटा हम बायोलॉजिकली पेस्ट और डिजीजेस को कंट्रोल करते हैं ठीक है अच्छा ऑर्गेनिक फार्मर्स पता है क्या कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मर्स ये कहते हैं केमिकल्स का तो बिल्कुल यूज मत करो बायोलॉजिकल तरीके का यूज करो दूसरा वो ये कहते हैं कि तुम केमिकल्स इस्तेमाल करोगे ना तो पेस्ट कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा हमें पेस्ट को कंप्लीटली रिमूव नहीं करना है हमें उसको एक ऐसे लेवल पर आकर के रखना है मैनेजेबल लेवल्स पर रखना है जो प्लांट के लिए सॉइल के लिए खतरनाक साबित ना हो ठीक है हम वीट जैसे वीट बी वीडी साइड से इस्तेमाल कर लेते हैं केमिकल्स इस्तेमाल कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मर का ये बिलीफ होता है ठीक है क्योंकि हो सकता है तुम केमिकल स्प्रे कर दो तो ये जो यूजफुल पेस्ट है वो भी मर जाए तो ना यूज करो केमिकल्स ओनली यूज बायो कंट्रोल एजेंट्स क्लियर है सबको क्लियर हो गया अब हम ये जो मैंने आपको बताया ये वही लिखा हुआ है क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मर्स कहते हैं कि तुम केमिकल यूज करोगे स्पीशीज मर जाएगा स्पीशीज डाइवर्सिटी चली जाएगी और आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि जितना ज्यादा डाइवर्स होता है उतना हेल्दी हमारा इको होता है इसीलिए स्टॉप यूजिंग केमिकल एंड स्टार्ट यूजिंग बायो कंट्रोल एजेंट्स येस आशुतोष वेरी गुड वेरी गुड बच्चे वेरी गुड तो अब हम पढ़ेंगे बायो कंट्रोल एजेंट्स के एग्जाम्पल तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल देख रहे हो दैट इज लेडी बर्ड लेडी बर्ड बेटा एक प्रकार की बीटल है ठीक है देखा भी होगा छोटी सी इंसेक्ट होती है रेड एंड ब्लैक कलर की मार्किंग्स होती है ये क्या करते हैं बेटा ये एफिड एक प्रकार का जो इंसेक्ट है इसको मार देते हैं एफिड हमारे बहुत सारे प्लांट को नुकसान पहुंचाता है बेटा तो जहां पर भी एफिड दिखे ना लेडी बर्ड ले आओ छोड़ दो खा जाएंगे नेचुरली केमिकल इस्तेमाल हुआ नहीं मर गई अपने आप फिर भी ठीक है ड्रैगन फ्लाइस किसको मारता है बेटा मॉस्किटो को तो मॉस्किटो के लिए हिटमत स्प्रे करो इसका इस्तेमाल करो ठीक है नेक्स्ट आपने पढ़ा है बायोटेक में कॉटन में एक बटरफ्लाई का कैटरपिलर का है वो उस कॉटन के पेड़ को उसकी पूरी यील्ड को खराब कर देता था तो हमने एक बैक्टीरिया की मदद ली बेटा उस बैक्टीरिया का नाम था बैसलस थुरजेसिस जिसे छोटे छोटे पाउचेस आते ना सॉस uh, के हो गया शुगर के हो गया ठीक है मसाले के आते हैं उसी प्रकार से छोटे सैशे के 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 फॉर्म में 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 पाउचेस इस बैक्टीरिया स्पोर्स मिलते हैं मार्केट में। मार्केट से खरीदो पानी के साथ मिक्स करो और कॉटन के पेड़ पर स्प्रे कर दो क्या होता था फिर वो कैटरपिलर उस स्पोर को खा लेता था और जैसे ही वो स्पोर उसके पेट में जाता था टॉक्सिन रिलीज करता था और कैटरपिलर मर जाता था है ना जब

क्ट होता है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए वही ट्राइकोडर्मा है बायो कंट्रोल एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा बेटा एक प्रकार का फ्री लिविंग फंगस होता है, कहां पर मिलता है के और वो वहां पर रह करके प्लांट में रूट बॉर्न पैथोजेंस नहीं लगने देता उनको बचा करके रखता है ठीक है इसके बाद बेटा लास्ट बायो कंट्रोल एजेंट है बैक्यूलो वायरसेस क्या होते हैं एक प्रकार के पैथोजन है जो कि इंसेक्ट्स और अदर ऑर्थ्रोपो को मार देते हैं ठीक है खा जाएंगे ज्यादातर वायरसेस जिनका हम इस्तेमाल करते हैं एज ए बायो कंट्रोल एजेंट वो कौन से जीनोस को बिलोंग करता है न्यूक्लियो पोलीहेड्रोवाइरस अच्छा ये जो बैकुलो वायरसेस होते हैं ना बेटा जिस इंसेक्ट को मारना है उसी को मारेंगे ठीक है निशाना एकदम पक्का होता है परफेक्ट शूटर है ये ऐसा नहीं है कि मारने एक्स को जाना है मार के जेड को आ जाएंगे नहीं species specific है, जिस कीड़े को को मारना है उसी को मारेंगे दूसरे जानवर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता तो इनका जो इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन है वो बहुत नैरो हम इसको बोलते हैं दे नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन जिस स्पीशीज को मारना है उसी को मारेंगे इसीलिए इसको स्पीशीज स्पेसिफिक कहते हैं कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपको प्लांट पर नहीं दिखेगा मैमल्स पर नहीं दिखेगा बर्ड्स पर नहीं दिखेगा फिश पर नहीं दिखेगा इवन दूसरे नॉन टारगेट इंसेक्ट्स पे नहीं दिखेगा सिर्फ अपने टारगेट को ही खत्म करते हैं ऐसा नहीं कि आस पास जो भी है सबको मार देंगे नहीं ठीक है क्लियर हो गया सो so ये थे हमारे सारे देखो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका इस्तेमाल हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं इसीलिए इनको बायोलॉजिकल बायो कंट्रोल एजेंट कहा जाता है और क्या कर रहे हैं खा रहे हैं तो एक प्रकार का प्रिडेशन है ये ठीक है क्लियर हो गया नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा लास्ट माइक्रोब का जो यूज़ है माइक्रोब्स वॉट आर बायो फर्टिलाइजर्स मतलब इसमें से क्या निकल के आ रहा है जब आप बेटा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का जब आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हो एज फर्टिलाइजर तब हम उसको क्या कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स बायो फर्टिलाइजर्स को कहाँ यूज किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है क्या आइडिया है बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक फार्मर्स केमिकल पर बिलीव नहीं रखते वो केमिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं सॉयल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए वो किसका इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं जब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करके खेती की जाती है बेटा ऐसे खेती को हम ऑर्गेनिक खेती कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं जब भी तुम सब्जी खरीदने जाते हो जैसे आप लोग तो कमी जाते हो नहीं तो हम तो इतने आलसी हैं बेटा क्या करते हैं हम इंस्टामार्ट स्विगी इंस्टामार्ट या ब्लिंकेट नाम सबने सुना होगा है ना उसमें जब सब्जियां आती है तो देखना एक नॉर्मल सब्जी होती है एक ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होती है तो ऑर्गेनिक का भाव थोड़ा ज्यादा होता है ठीक है क्योंकि उसमें केमिकल्स नहीं मिले हुए हैं तो अगर ऐसी सब्जी और ऐसे फल फ्रूट खा रहे हो जो केमिकल से बनाए हुए हैं तो क्या नरिशमेंट तुम्हें मिल रहा है तो इसीलिए आजकल बहुत ज्यादा फोकस ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा है है ना तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का ही इस्तेमाल करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ठीक है क्लियर हो गया तो आप रिवीजन है भावेश ये बेटा ठीक है सो हम पढ़ेंगे देखो एनसीआरटी क्या लिखती है तीन मेजर सोर्सेस होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के बैक्टीरिया फंजाई एंड साइनो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाती हूं बेटा बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर्स एनसीआरटी पढ़ोगे तो लिखा हुआ है एक होते हैं बेटा सिम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल एनसीआरटी क्या बताती है इसका एग्जाम्पल एनसीआरटी बताती है राइजोबियम इलेवंथ क्लास में बहुत प्रॉपर पढ़ा है बेटा कि राइजोबियम किस तरीके से रूट नॉड्यूल बनाता है लेगिमनस प्लांट में और वहां पर वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है पढ़ा है ना तो ये राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं नाइट्रोजन के कंटेंट को इंक्रीज करते हैं सॉइल में इसीलिए हम बोलते हैं कि उनको यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर्स ठीक है तो राइजोबियम क्या करता है इट इंक्रीज दी कंटेंट ऑफ कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन इन दी दॉयल इसको सिम्बायोटिक क्यों कहते हैं बेटा क्योंकि राइजोबियम फिक्स करता है नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट अगर ये किसी होस्ट पे डिपेंडेंट होता है अपने नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए तो उस प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सेशन को सिम्बायोटिक कहा जाता है तो इसको किस होस्ट की मदद देनी पड़ती है लेग्यूमिनस प्लांट दाल मटर ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट है बेटा इनके अंदर जाकर के राइजोबियम रूट नॉड्यूल बनाता है उसके अंदर फिक्स करता है क्लियर हो गया दूसरा होता है बेटा ये सब इलेवेंथ में पड़ा हुआ है बेटा नया नहीं है एक होता है फ्री लिविंग फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से हैं तो फ्री लिविंग वाले हैं एजो एजोस्पायरलम और एक है बेटा एजेटोबैक्टर ये दोनों फ्री लिविंग मतलब इनको नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए किसी होस्ट की जरूरत नहीं लगती ये सॉइल में फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल के नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज करते हैं दैट इज वाई हम कहते हैं कि फर्टिलाइजर की तरह एक्ट कर सकते हैं तभी इनको बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है ठीक है अब नेक्स्ट है बेटा फंजाई एज बायो फर्टिलाइजर तो देखो फंजाई कैसे एज अ बायो फर्टिलाइजर बनाएगा मैंने आपको पहले भी बता रखा है जो रूट होता है दिस इज द रूट ऑफ पाइनस पहाड़ों पे जाते हो ना पाइन ट्रीज मिलते हैं ना वही पाइनस इनके रूट में बेटा फंगल के फिलामेंट्स मिलते हैं ठीक है जब फंजाए और रूट एक साथ रहते हैं इस प्रकार के एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं बेटा इस प्रकार के एसोसिएशन को वी कॉल इट टू बी माइक्रोराइजल एसोसिएशन ये एक प्रकार का सिम्बायटिक सिम्बायटिक मतलब एक दूसरे का फायदे उठाने वाला एसोसिएशन दो ऑर्गेनिज्म जो पार्टिसिपेट करते हैं दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है क्या बेनिफिट मिल रहा है ठीक फंजाई को? फंजाई को है।, है फ्री फंड में रहने के लिए जगह मिल रही है बेटा कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे कोई रेंट नहीं देना पड़ रहा अब प्लांट उसको रख रह रहा है फ्री फंड में बेटा दुनिया में हर चीज सेल्फिश है तो फ्री में तो रखेगा नहीं उसको फंजाई को लग रहा है वो उसको फ्री में रख रहा है बट प्लांट उसका इस्तेमाल कर रहा है प्लांट क्या करता है जिन प्लांट्स के पास बेटा माइकोराइजा वाला एसोसिएशन होता है ना उनके पास रूट हेयर नहीं होता लेकिन ये घबराते नहीं है क्यों क्योंकि इनके पास फंजाई है फंजाई से सारा काम करा लेते हैं बोलते हैं पानी दो मिनरल्स दो मिनरल्स में पर्टिकुलरली फॉस्फोरस एब्जॉर्ब जो भी सॉइल से फॉस्फोरस लेना है वो फंजाई लेकर के प्लांट्स को प्रोवाइड कर देता है तो दोनों का फायदा निकल गया टेक वाला रिश्ता गिव एंड टेक वाला रिश्ता इस मिचुअलिज्म सिंबायटिक रिश्ता ठीक है एक ग्लोमस माइकोराइजा का एग्जाम्पल लिया हुआ है ठीक है जो फंगल हाइफी होता है देखो जो अभी मैंने बताया ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को पहुंचा देता है प्लांट को क्या क्या बेनिफिट मिलता है फंजाई रख करके तो देखो लिखा हुआ है कि फंजाई के रहने से इस प्रकार के एसोसिएशन से जो रूट में आके अटैक करते थे वो, वो नहीं रहा। तो ये रूट पैथोजन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं और ड्राउट को झेलने की इनमें ताकत आ जाती है और इसकी वजह से प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ होता है तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि प्लांट को क्या तीन बेनिफिट मिल रहा है बताओ तो ये तीनों पॉइंट लिख दोगे लास्ट में एनसीआरटी ने एक सवाल पूछा है आपसे फंजाई को क्या फायदा मिल रहा है तो फंजाई को क्या मिलता है बेटा फंजाई को शेल्टर मिल रही है प्लस फंजाई खुद खाना नहीं बना सकता ठीक है तो न्यूट्रिशन भी कहां से ले रहा है पेड़ पेड़ से ही पेड़ खाना बना रहा है ना लीव खाना उसकी बना रही है तो पेड़ से ही वो भी ले, ले लेता है तो खाना और रहना इसका देख लेता है प्लांट ठीक है तो ये आप लिख लोगे उसको उसके बाद नेक्स्ट आता है साइनोबैक्टीरिया का सायनोबैक्टीरिया इलेवेंथ क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा नॉस्टॉक का एनसीईआरटी में डायग्राम है अब नॉस्टॉक के पास बेटा एक सेल होती है थिक वॉल जिसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं और ये हेट्रोसिस्ट सेल बेटा स्पेशलाइज्ड सेल होती है फॉर द पर्पस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन तो जो भी ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्स करेगा वो एज अ बायो फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है तो साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को एडअप करते हैं थ्रू फोटो एक्टिविटी ठीक है ये तीन एंड ऑसिलेटोरिया इज वन ऑफ दी मतलब हमारे अच्छे बायो फर्टिलाइजर्स की तरह साबित हुए हैं और है ये सारे के सारे ब्लू ग्रीन एल्गिया साइनो अगर राइस फील्ड में क्या कह रहा है भविष्य ठीक है अरे तुम उनकी टेंशन मत लो बेटा तुम अपना पढ़ो जिसको जो करना है करने दो है ना यस 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 साहिल पैडी फील्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बीजीए का एज अ फर्टिलाइजर्स उनके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ठीक है येस तो मैं आपको इसके एन रीड करा देती हूँ ये देखो साइनोबैक्टीरिया फोटोसेंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं इसलिए इसको ऑटोट्रोपिक माइक्रोब्स कहा गया है इलेवेंथ क्लास में पढ़ा है आपने और ये आपको जनरली एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों में मिलते हैं एग्जाम्पल एना बिना नोस्टॉक ऑसलेटोरिया पैडी का मतलब क्या होता है बेटा राइस फील्ड्स ठीक है तो राइस फील्ड्स में बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर ब्लू ग्रीन एलगी क्या करता है बेटा एक तो एटमोस्फरिक नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है ये दूसरा बेटा ये फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक मैटर को भी एडअप कर देता है सॉइल में ठीक है इसीलिए इसको बायो फर्टिलाइजर की तरफ इस्तेमाल करते हैं ठीक है उसके बाद जो स्पैम कर रहा है बेटा करने दो अपना टाइम मत वेस्ट करो करेंटली हमारे कंट्री में बेटा बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स कमर्शियल लेवल पर मिलते हैं ठीक है और फार्मर्स इनका इस्तेमाल करते हैं अपने सॉयल न्यूट्रिएंट्स को रेप्लिनिश करने के लिए मान लो सॉइल से नाइट्रोजन और अगर तुम बायो फर्टिलाइजर का कर इस्तेमाल करते हो फार्मिंग मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी तुम लोग को ना हाँ नेट चला गया था मैंने म्यूट कर दिया था यस तो वट आई एम टेलिंग यू दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर सो हमने सारा डायग्राम्स भी किया एन सी आर टी की रीडिंग भी लगाई है एंड वी हैव रिटन एक एक लाइन एन सी आर टी के नावर नोट्स अब आपका काम है बेटा अच्छे से पढ़ के रिविजन कराया गया है नोट्स अभी आपको मिलेंगे आप इस नोट्स को मेनटेन करिए जो बच्चे के पास नोट्स है क्योंकि वो पुराने बच्चे थे वो सिर्फ रिवाइज करें अपने नोट्स को ठीक है आईपीएम इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो ऑर्गेनिक फार्मर्स का वाली कहानी बताई थी ना क्या थी ऑर्गेनिक फार्मर कि वो कंप्लीटली इराडिकेट नहीं करते थे पेस्ट को ठीक है वो पेस्ट को एक मैनेजेबल लेवल पर रखते थे जिसका इतना खतरनाक इंपैक्ट इकोसिस्टम पे ना दिखे क्योंकि अगर आप पेस्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल करते हो तो यूजफुल पेस्ट भी डिलीट हो जाते हैं इकोसिस्टम से तो वो ऑर्गेनिक फार्मर्स नहीं चाहते हैं तो उसी पेस्ट मैनेजमेंट को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ठीक है तो हमने साइनो बैक्टीरिया की एनसीआर की रीडिंग भी लगा ली थी ठीक है लास्ट में शिप्रा साइनो बैक्टीरिया पढ़ाया गया था साइनो बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करते हैं तो इसी वजह से सॉइल ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है ठीक है दैट इज वाइस को हम कहते हैं फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करते हैं दूसरा चीज हमने ये पढ़ा था नाइट्रोजन के फिक्स फिक्सेशन से नाइट्रोजन का जो कंटेंट है सॉइल में वो इम्प्रूव होता है सो दैट इज वाई दे आर एडिंग अप दे आर इंक्रीजिंग दी फर्टिलिटी ऑफ दी सॉइल और केमिकल है नहीं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है इसलिए इनको हम बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं ठीक है सो so, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट अपने रिविजन में ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में जब भी शेड्यूल्ड होगा तो यस yes. क्या हो गया बच्चे यस एंड इस स्लाइड्स में कुछ क्वेश्चन है बेटा उन क्वेश्चन को जरूर करना एंड कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछना ठीक है बाय बेटा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन uh, में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक एयर बाय बाय